हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। कैसे हो आप सब? और वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई विजिबल? मैं सबको दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से वॉइस? हाँ, वेरी गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? मेरी टीम मना कर रही है शायरी के लिए, उन्होंने ढूंढ के नहीं रखी आज शायरी। ये देखो, स्टूडियो वाले बंदे बहुत नलायक हैं, ढूंढ के नहीं रखते हैं। बोलो, क्यूट लग रहे हैं। अच्छा, आज भी क्यूट लग रहे हैं, ये तुमने बहुत सही बात बोली, ठीक है ना? थैंक यू। ए, तुम सब भी बड़े क्यूट लगते हो, यहाँ से छोटे छोटे नजर आते हो मुझे स्क्रीन पे, बट सब क्यूट लगते हो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी एंटर करो, अपनी अपनी सीट पकड़ो जल्दी से, गाड़ी छूट जाएगी नहीं तो। फटाफट अपनी सीट पे बैठ जाओ, सेटल हो जाओ, नोटबुक ओपन कर लो। सर आ गए, किसी भी मोमेंट वो क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और आज रिवाइज करके आए हो? कल तो मैं देख रहा था कुछ नहीं जवाब दे रहा था कोई, कल रिवाइज नहीं करके आए थे ना? आज देखते हैं, आज रिवाइज करके आए हो या फिर नहीं, या बस सर को बस खुश करना आता है। सर आप अच्छे लग रहे हो, पढ़ के भी आया करो भाई, रिवाइज करके आया करो, आप भी अच्छे लगोगे फिर, ठीक है? कंसेप्ट रिवाइज होने चाहिए, हर क्लास से पहले रिवाइज होने चाहिए, पक्का कोशिश करो कि रिवाइज करके आए, ठीक है बेटा? बोलो, क्या डाउट है? बोलो, इंटरनल फोर्सेस किसको कहते हैं? देखो, इंटरनल का मतलब ये है, जैसे आपको मैं बोलूं, एक एटम है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है जैसे, ठीक है ना? नजर आ रहा है? वन सेकेंड, मैं थोड़ा कलर बदल दूं तो थोड़ा सा नजर भी आएगा। जैसे मान लो ये ब्लॉक है बेटा, इंटरनल फोर्सेस का मतलब ये है, जैसे मान लो इसके अंदर दो एटम भी होंगे बेटा। हर ऑब्जेक्ट किससे बना होता है? केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है, किससे बना होता है? एटम्स। तो इसके अंदर बहुत सारे एटम है, तो ये एटम इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला एटम इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट के इंटरनल फोर्सेज है। जैसे ये पेन मेरे हाथ में देख रहे हो, ये पेन अपना मूव क्यों नहीं कर रहा, मेरे हाथ पे पड़ा? आप कह रहे हो सर फोर्स तो लग ही रहा है ना इस पे, एक मॉलिक्यूल दूसरे पे, दूसरा पहले पे लगा ही रहा है। तो हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी चीज से तो मिलके बना ही है ना, तो जो उसके अंदर के फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट के इंटरनल फोर्सेस की वजह से उसका ओवरऑल मोशन नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई ब्रिक आप ले रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स तो लगा ही रहे होंगे ना, बट वो सिस्टम के कैसे फोर्सेस हो जाएंगे? बोलो, इंटरनल, क्योंकि वो हमेशा पेयर में होंगे। अगर कोई फोर्स इधर है तो दूसरा फोर्स इधर होगा, कोई फोर्स ऊपर है तो दूसरा फोर्स नीचे होगा, तो जब उन सभी का वेक्टर सम किया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा? जीरो। इसी वजह से कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो अपना आप नहीं हिलता है ना, वरना तो आप डर ही जाओगे सर अपना आप कैसे हिल रहा है, क्योंकि उसके पास कोई एक्सटर्नल नहीं है। कोई बाहर से फोर्स लगाए तो उस फोर्स को एक्सटर्नल कहेंगे, जिसके अंदर एक दूसरे पे मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन फोर्स लगा रहे हैं, वो कैसे हो जाएंगे? इंटरनल। आया समझ में? ठीक है, फ्रिक्शन इंटरनल के अंदर नहीं आएगा। फ्रिक्शन फोर्स को अगर हम ध्यान से देखें, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे स्लाइड कर रहा है। अब इसमें आप इंटरनल इसको तब कह सकते हो अगर आप सिस्टम में ऑब्जेक्ट को भी मान लो और इसको भी मान लो। जैसे कि मैं अगर ऐसे देखूँ, ऐसे समझना ध्यान से बेटा, मान लो एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? कर रहे होंगे ना बेटा, एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर मैं सिस्टम में दोनों चार्जेस को ले लूँ तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। बट अगर मैं सिस्टम में सिर्फ इस चार्ज को लूँ तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप इस पे तो फोर्स देख सकते हो ना, राइट साइड लग रहा है, तो इसका टोटल फोर्स सिर्फ एफ है, इसका टोटल फोर्स सिर्फ माइनस एफ है, बट अगर सिस्टम में दोनों को ले लूँ तो नेट फोर्स जीरो है। ऐसी फ्रिक्शन में, अगर आप फ्रिक्शन में दो ब्लॉक ले रहे हो, एक के ऊपर दूसरा, अगर साफ आप एक ही ब्लॉक को कंसिडर करते हो तो उस पर वो कैसा फोर्स हो जाएगा? एक्सटर्नल। अगर आप दोनों ब्लॉक को एक साथ कंसिडर कर लेते हो तो फिर वो कैसा हो जाएगा? बोलो, इंटरनल। आया समझ में? ठीक है ना जी बेटा। बेटे मिक्स है, वो मिक्स है, ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस डीपीपी के और इसके मैच किए जाते हैं। आप मेरी परेशानी समझो, आज से पहले मैं आपके रोज कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं बताऊँ आधे से ज्यादा कमेंट्स क्या होते हैं? सर जो आप क्लास में पढ़ाते हो वो डीपीपी से मैच नहीं करता। फिर एक दिन कोई कमेंट करता है, सर आप जो डीपीपी में देते हो वो मॉड्यूल से मैच नहीं करता। फिर मेरे पास रैंडम बहुत कमेंट्स आते हैं। तो आप एक बात समझना ध्यान से, इसमें क्या करा जा रहा है, अब कोशिश ये की जा रही है कि डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में भी डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आप जब डीपीपी पढ़ो तो आपको स्ट्रेंज ना लगे,
सारे क्वेश्चंस मैच नहीं करते डीपीपी के, कुछ क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन मैच कर गए, वो इसलिए होता है ताकि आपको लिंक बना के पता चले कि क्लास में पढ़ाया हुआ कंटेंट ही वैसा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो वो दो तीन क्वेश्चंस अगर मैच करेंगे भी, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप जिस दिन डीपीपी अटेंड कर रहे हो आपको याद आ जाए ये क्लास में पढ़ा है, एटलीस्ट आपको रियलाइज तो हुआ कि सर ये क्लास में मैंने पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा मैच करने के लिए। अदरवाइज बच्चों को पता है क्या, कई बच्चे हैं जो बिल्कुल फील करते हैं अगर हल्की सी भी लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना, वो सोचते हैं कि यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, तो जस्ट उसको समझाने के लिए बेटा कि एकदम से क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आ जाए कि आप ऐसा पढ़ चुके हो, तो थोड़ा बहुत तो ओवरलैप होगा यार, थोड़ा तो होना भी चाहिए है ना, अदरवाइज तो आपको लगेगा कि सर क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, डीपीपी सॉल्व नहीं हो रही। जैसे अब मॉड्यूल में आप देखना, बच्चे एक बच्चे ने बहुत कल लंबा कमेंट लिखा था, मॉड्यूल के क्वेश्चन तो हमसे हिल ही नहीं रहे, हमें सर पढ़ा भी रहे या नहीं पढ़ा रहे हमें पता ही नहीं चला, अजीब सा कुछ लिखा था, आई डोंट नो यार, अब वो है ही नहीं यार नीट लेवल का, मैं क्या करूँ बताओ, मेरे हाथ में होता तो मैं वो मॉड्यूल आपको देता नहीं, मैं कहता मैं अपने हाथ से बना के दे रहा हूँ। हाँ तो वो आप अगर आप नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो और फिर देखो, फिर आप खुद को रियलाइज करोगे कि वैसे आते नहीं है, है ना, तो फिर आपको मैं पढ़ा भी दूंगा तो क्या, मैं तो पढ़ा ही दूंगा सर, मैं तो जेई का पढ़ा ही देता हूँ, बट क्या फायदा है ना, आप पे बर्डन नहीं डालना चाहता। अब क्लास स्टार्ट करते हैं, आज बहुत सारा है कवर करने के लिए मेरे पास, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी, प्रैक्टिस शीट चलो मैं आज बनवा के या आज या कल मैं बनवा के उनसे कोशिश करूंगा कि वो फ्राइडे तक एक अपलोड करा दे, है ना, क्योंकि दो तीन दिन तो लगेंगे उनको बनाने में, वो अपलोड करवा देंगे, ठीक है जी बेटा। देखो मेरे हिसाब से आपको लास्ट जो भी है 2017-18 के बाद के करने चाहिए, उससे पहले के इतने खास नहीं है और जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़े से अजीब लेवल के होंगे, मतलब वो मैच नहीं करेंगे, और लास्ट के 10 ईयर से या फिर 7-8 ईयर के पीछे के नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अगर आप वो कर चुके हो, उससे पहले कर चुके हो और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कर लो, बट ज़्यादा पुराने भी नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। मैं कभी कभी करा देता हूँ जो बहुत पुराने हैं, बट वो फिर मिलते जुलते होंगे जो हमारे करंट सिलेबस में चल रहे हैं उससे मिलते जुलते होते, ठीक है। नहीं 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 आएगा, वो नहीं आता है, ठीक है ना, वो इसमें नहीं आता है, ब्लॉक के ऊपर वाला, ब्लॉक वाला नहीं आता है। हालांकि मैंने ये रखा हुआ है, जिस दिन मुझे रिवीजन टाइप कराना होगा तो मैं उसका एक आधा क्वेश्चन आपसे जरूर करवाऊंगा, पर तब तक आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी होगी आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आने लगेगा। तो एक स्ट्रैटेजी होती है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, जब आप लोगों के लिए वो चीजें इजी हो जाए तब आपको एक लेवल आगे की चीज पढ़ाऊं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हम कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ रहे थे, याद आ रहा है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, आज तो आवाज आनी चाहिए आप लोगों की, लास्ट क्लास में मैंने कहा था रिवाइज करके आना, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, मैंने पढ़ाया था कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल याद है कंजर्वेटिव फोर्स के, ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और तीसरा याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के बीच में रखता है। मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस में लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास की वजह से लगता है, तीसरा स्प्रिंग फोर्स, ये तीनों कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसमें हमने देखा था पहला पॉइंट कि ये जो फोर्स है ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में प्रूफ किया था ग्रेविटेशन में, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जा रहे थे, दो अलग अलग पाथ पे ले जा रहे थे, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था। दूसरा, एक क्लोज पाथ के लिए वर्क डन जीरो होता है, उसके लिए आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ देखो ध्यान से फटाफट, यहाँ देखो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास अगर हम एम ले ले बेटा, ओके, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले ऊपर ले जाऊं और फिर वापस नीचे ले आऊं, क्लोज पाथ का मतलब क्या है, आप सोच रहे होगे सर क्लोज पाथ का मतलब क्या है, इसका मतलब है इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, जहां से शुरू किया वही खत्म किया, इनिशियल पॉइंट सेम एज फाइनल पॉइंट, आप लिख सकते हो ये फाइनल पॉइंट की तरह ही है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसे है बोलो बच्चों, सेम है। यानी कि मान लो मैं इसको एक एच हाइट तक ले गया, जल्दी से बोलो मैं कहां ले गया इसको, एच हाइट तक ले गया, यानी मैं ए से बी ले गया, तो कितना वर्क डन करना पड़ा ए से बी में, आपको कितना वर्क डन करना पड़ा सोचो, ए से बी में जो आपको वर्क डन करना पड़ा, आपको नहीं ग्रेविटी को कितना वर्क डन करना पड़ा, ए से बी में ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, हमने लास्ट क्लास में देखा था कितना, माइनस एम जी एच, ये कैसे आया याद है, अरे यार लास्ट क्लास में किया था ना, ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, और आप इसको कहाँ ले जा रहे हो, ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा, कितना हो जाएगा बोलो, माइनस एम जी एच। अब अगर आप इसको ऊपर ले जाके फिर नीचे ले आते हो, यानी आप दोबारा से बी से ए ले आते हो, तो ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा एम जी एच। तो मैं आपसे बोलूं टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दोनों को ऐड कर दो, पहले आप ए से बी ले आए फिर अब उसको बी से ए लेके आ रहे हो, तो यानी कि टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि क्लोज पाथ में जब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो आपका वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
डेफिनेटली इस केस में आप कह सकते हो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, यानी जब ए से गए बी पे, बी से आगे दोबारा ए पे, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, क्लोज पाथ में जीरो। ये हर एक कंजर्वेटिव फोर्स करेगा, हर एक कंजर्वेटिव फोर्स में यही होगा, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। और आपको कुछ कुछ बातें और बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करना है, आज थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, आज काफी चीजें कवर करनी है मुझे, ठीक है ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना बच्चों, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी लिखो, याद आ रहा है ना, अब ये पूरी पूरी लाइनें मत लिखने बैठना यार, शॉर्ट शॉर्ट में, छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो, जो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है वो थोड़ी थोड़ी बातें आप लिख लिया करो, ओके ठीक है, ओके। एक बात याद रखना, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की चर्चा की जाएगी, व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स, जब भी आपसे कंजर्वेटिव फोर्स का नाम लिया जाएगा, वहां आपको पोटेंशियल एनर्जी जरूर मिलेगी। तो कंजर्वेटिव फोर्स राम है और पोटेंशियल एनर्जी लखन है, जैसे राम और लखन हमेशा साथ रहते हैं ना, है ना, लखन का मतलब लक्ष्मण जी, है ना, तो हमारे जो राम लखन है, राम जी और लक्ष्मण जी हमेशा साथ रहते थे, वैसे ही कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम में होगी। जहां कंजर्वेटिव फोर्स है, आप लिख सकते हो, जहां कंजर्वेटिव फोर्स है वहां पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी, वहां पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो कंजर्वेटिव फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है, वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी, याद रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रख सकते हो। इलास्टिक फोर्स जो आप कह रहे हो, हम उसको स्प्रिंग फोर्स का नाम दे रहे हैं, यहाँ आप कह सकते हो इलास्टिक, तभी हम उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। जहां कंजर्वेटिव फोर्स वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये याद रखेंगे। और जो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा उसको मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखूंगा, और आपको भी उतना ही बड़ा अपनी नोटबुक में लिखना है, ताकि वो बात आपको याद रहे, कभी भी पूछ ली जाए आपको याद आ जाए, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखने वाला हूँ, मैं बदलने वाला हूँ स्लाइड, टाइम नहीं दूंगा और लिखने का, बहुत टाइम दे दिया मैंने। चलो, आपको याद रखना है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बड़ा बड़ा आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछूंगा मैं आपसे। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आप लिख सकते हो माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल चेंज, का हमेशा मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप यहाँ माइनस साइन अंदर अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यू जो सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ बोलो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से लिखूंगा, याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से लिखेंगे, आप याद रखना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये अपने को याद होना चाहिए। पूरी स्लाइड मैंने इसके लिए इस्तेमाल की है, वेस्ट मत कर देना, देख लो। अगर ग्रेविटेशन फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर स्प्रिंग फोर्स है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब आप मुझसे ये पूछो कि सर नेगेटिव साइन क्यों, पूछो, ठीक है ना, नहीं भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कल आपको बताया था, याद करो, अगर मैं इस बोतल को ऊपर ले जाता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है या घटती है, जल्दी से बोल दो, ऊपर ले जाने पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, अरे ऊपर ले जाने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, बोलो, बढ़ेगी, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है। तो आप याद रखना, जब भी ग्रेविटेशन फोर्स या कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करे तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। इसलिए यहां नेगेटिव साइन है कि अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो
तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, अगर आपका वर्क डन नेगेटिव हुआ तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। यहां नेगेटिव साइन यही बता रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करे तो पोटेंशियल एनर्जी जी बोलो वही तो समझाया चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये माइनस साइन का ही तो मतलब समझा रहा हूं मैं इतनी तेज से, माइनस क्यों लगा यही तो बोल रहा हूं। माइनस का क्या मतलब है यहां, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि आप बताओ मुझे यहां माइनस फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क डन किसके इक्वल हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल, है ना। अगर आपकी एनर्जी बढ़ रही है तो उस केस में वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर आपकी फाइनल एनर्जी ज्यादा हो गई इनिशियल से तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर आपकी फाइनल एनर्जी कम हुई इनिशियल से तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हम यही समझा रहे हैं, अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है तो एनर्जी घटती है, कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करता है तो एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना। खुद देखो, यहां से देखो, कुछ मत सोचो, बस ये सोचो UI माइनस UF नजर आ रहा है सबको, सब देखो ये आ रहा है। अगर मेरी एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब फाइनल इनिशियल से ज्यादा है तो ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा। सोचो अगर फाइनल एनर्जी इनिशियल से ज्यादा है तो वर्क डन, तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है, ये ज्यादा हुआ अगर UI से तो एनर्जी बढ़ रही है तो ये नंबर नेगेटिव आ जाएगा, यानी वर्क डन नेगेटिव। अगर मेरी फाइनल एनर्जी कम है तो वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है ना जी। नहीं, मैंने इसको ऊपर बढ़ाया तो इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी क्योंकि ग्रेविटेशन का वर्क डन कितना हो गया बोलो, नेगेटिव। जब ये नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटेशन का वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से घट रही होगी। अगर सेम पोजीशन में आ जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि जितना वर्क डन ऊपर हुआ था उतना ही नीचे हो गया, क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होता है। नीचे रखा हो तो वो अभी मैं बताऊंगा उसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेना है या नहीं लेना, वो अभी मैंने सिखाया नहीं है। अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकालना नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ चेंज बताया कि ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है, नीचे आते हैं तो घटती है। कितनी होती है मैंने ये नहीं बताया, कितनी है मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, अभी अभी हम उस पर आएंगे, ठीक है ना। नहीं, जीरो नहीं होता है, मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। यार तुम लोग माइनस प्लस नहीं कर पाते हो यार, एक बात बताओ, डेल्टा यू क्या है जल्दी से बोल मुझे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अब मैं माइनस एन को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो उल्टा नहीं हो जाएगा, कैसी बातें करते हो यार, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ऐसी बच्चों वाली बातें पूछोगे ना फिर पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। चलो कैसे पिटाई करोगे सर वहां आके, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अब बता फटाफट, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसी की क्लास लूंगा मैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है सोचो, सर जो कंजर्वेटिव नहीं होता वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि ये बिल्कुल उल्टा है। उल्टा है मतलब कैसे, कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी होती थी, इससे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, है ना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ हमारी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन पाथ, दिस इज पाथ डिपेंडेंट, और क्लोज पाथ में इनका वर्क डन जीरो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रख दो, समझना ध्यान से, और आप इसको ए से, मतलब इस ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो, इस ऑब्जेक्ट का मास मैंने मान लिया एम है, ये लोकेशन ए से बी जा रहा है, कहाँ ले जा रहे हो, ए से बी ले जा रहे हो, और ये डिस्टेंस कितना है एक्स, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया एक्स, ठीक है ना, और कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को मान लिया मैंने म्यू के, ठीक है। तो कितना वर्क डन होगा ए से बी जाने में, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, ए से बी जाने में फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क डन करेगा, जल्दी से बता दो, पिटाई हो जाएगी जो नहीं बताएगा। मास एम है, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन के है, कितना वर्क डन होगा ए से बी जाने में फ्रिक्शन फोर्स का, ए से बी जाने में फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा, जल्दी, इतना मुश्किल पूछा नहीं है मैंने। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा इस पे, लेफ्ट या राइट, माइनस एमजीएच कहाँ से आ गया, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन बताना है। चले पहले बताओ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा या आगे, पीछे लगेगा ना बेटा, आप इसको कहाँ ले जा रहे हो बच्चे, हाँ बोलो बेटा इसको कहाँ ले जा रहे हो, आगे ले जा रहे हो, कितना आगे ले जा रहे हैं, एक्स पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, पीछे, कितना लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, मैंने सिखाया था, काफी बच्चों ने आंसर दे तो दिया है, पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है बोलो, म्यू के इंटू नॉर्मल, यानी कि म्यू के इंटू एम जी लिख सकता हूँ इस केस में, यस और नो, याद आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला। अब फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ए से बी जा रहे हैं, फ्रिक्शन का फॉर्मूला, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, जल्दी से बोलो, फ्रिक्शन यहां लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है, तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, है ना, म्यू के एम जी हो गया फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, कितना ही वर्क डन होगा ए से बी में फ्रिक्शन फोर्स का, है ना, ए से बी ले जाने में फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या यही होगा, यस और नो, होगा ना।
अब अगर मैं बी से ए ले जाऊं तो, अब मैं बी से ए लेके जा रहा हूं तो बताओ मुझे, अगर हम इसको बी से ए मूव करेंगे तो क्या होगा, बोलो फटाफट। अब मैं अगर इसको बी से ए लेके जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरा लेफ्ट साइड है, पर उतना ही फ्रिक्शन फोर्स अब राइट साइड लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स तो अभी भी उतना लगेगा बट राइट साइड लगेगा। क्या बी से ए में भी नेगेटिव वर्क होगा? कैसे? बी से ए में नेगेटिव वर्क डन क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और फ्रिक्शन फोर्स इधर है, तो कितना एंगल है दोनों के बीच में? 180 डिग्री। तो यानी कि बी से ए में भी जो वर्क डन है वो कितना है? माइनस म्यू के एम जी, ये हो गया मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स। तो टोटल वर्क डन जीरो है या नहीं बता दो मुझे। टोटल वर्क डन अगर आप ऐड करोगे तो जीरो नहीं आ रहा, आप ऐड करके देखो डबल हो गया। यहाँ वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो नहीं आया, वो कितना आ गया? माइनस टू म्यू के एम जी इंटू एक्स विच इज नॉट जीरो, यानी कि इसमें क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता, ये पाथ डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा पाथ होगा वर्क डन उतना बढ़ता जाएगा, तो ये पाथ डिपेंडेंट है, दिस इज पाथ डिपेंडेंट। जल्दी जल्दी इसको लिखेंगे, समझ लिया है ना अच्छे से? फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन हमेशा बढ़ इसलिए रहा है बेटा क्योंकि जब हम पहले राइट साइड जा रहे थे ना तो फ्रिक्शन लेफ्ट लग रहा था, और जब मैं लेफ्ट आ रहा हूँ तो फ्रिक्शन राइट लग रहा है। इसका वर्क डन जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ये बढ़ता ही जाएगा, और ये कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्वेटिव होता तो जीरो हो जाता, मतलब इसका वर्क डन तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, ठीक है ना, नेगेटिव में वो भी। ओके, और एग्जांपल क्या है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के? एक तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स, ड्रैग का मतलब जैसे एयर हमारे ऊपर एयर ड्रैग लगाती है ना, तो एयर का रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन। विस्कस फोर्स, ये लिक्विड में लगता है, फ्लूइड्स में आपको नजर आएगा, विस्कस फोर्स हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स में, ठीक है ना। तो ये सभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरीज हैं जो मोशन को रोकने का काम करती हैं, ज्यादातर वही हैं ये सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेसिकली तीन हमें कंजर्वेटिव पता है, उसके अलावा ये जो बचे कुचे हैं ये हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी, कभी आपने ये नहीं सुना होगा, फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुनोगे, विस्कस पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुनोगे, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किससे एसोसिएटेड है बोलो? कंजर्वेटिव फोर्स से। किससे एसोसिएटेड है बोलो? कंजर्वेटिव फोर्स से। नॉन कंजर्वेटिव में पोटेंशियल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी भी अगर हम चर्चा करेंगे अब, तो पोटेंशियल एनर्जी तीन तरीके की आपको मिलेंगी, क्योंकि तीन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसने यहाँ बोला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये स्प्रिंग से रिलेटेड है, स्प्रिंग से या इलास्टिक फोर्सेस से रिलेटेड है। स्प्रिंग से जो हमें पोटेंशियल मिलेगी वो हम इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। उसके बाद आता है चार्जेस की वजह से, जो चार्जेस के बीच में लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, 11th में नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम पढ़ेंगे, उससे जो एनर्जी आएगी वो हमारी इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है ना। तो ये मेन तीन कैटेगरियां जो आपको हमारी क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगी 11th में, वो ये और ये है, मैं ये दोनों पढ़ाऊंगा और ये हमारे सिलेबस का पार्ट है फॉर 11th। 12th में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ेंगे हम, बट 11th में अभी हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे। क्या पता बेटा, क्या पता, पता नहीं बेटा, क्लास 12th में मैं हूं ना हूं, इंसान का कुछ भरोसा? आज हम हैं कल हम नहीं रहे, क्या पता, छोटी सी तो जिंदगी है, रहे तो जरूर पढ़ाएंगे। जल्दी लिखना बेटा, थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाना। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, कोशिश करो फटाफट इसको नोट डाउन करें। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से आज चर्चा स्टार्ट करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से समझेंगे यार,
फोर्सेस के नाम ही लिखे हैं, इतने में भी ब्लैक साइड क्या करेगा, तीन एनर्जी लिखी है उसको तो वैसे भी याद रख लो, कौन सी तीन है बता मुझे फटाफट, अगर याद नहीं है तो पिटाई होगी, बोल फटाफट कौन सी तीन बोली थी, बोल फटाफट बोल, जिसने भी बैक स्लाइड बोला अब उसकी शामत है। हाँ, और और ग्रेविटेशन, अब देखो याद भी है फिर भी कह रहा है स्लाइड बैक करो, वही तो लिखा है पिछली स्लाइड पे और क्या लिखा है मैंने, ठीक है ना, कमाल करते हो जी हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे चर्चा करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस फोर्स से रिस्पॉन्सिबल है बताओ, किस फोर्स की वजह से आएगी ये, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आएगी, है ना, किसकी वजह से आएगी बोलो, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। अब जरा अपने पेन को रख देना सीट पे और चीजों को समझना, क्योंकि होता क्या है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो आप लिख रहे होते हो और बाद में फिर बोलते हो सर दोबारा बताना, उसमें आपका टाइम दोबारा से वेस्ट होता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, उसके बाद नोट कर लेना। और मैंने आपको पहले भी बोला अगर रह भी जाता है यार कुछ नोट करने के लिए पीडीएफ मिलती है तुम्हें, इतना क्यों परेशान हो, मिलती है आप लिख सकते हो दोबारा से, समझ लो, समझ लोगे तो आपको देख के भी याद आ जाएगा कि क्या था, ठीक है ना। तो समझो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझो। यहाँ पे सपोज मेरे पास एक मास है, लेट अस से यहाँ पे मेरे पास एक मास है, मैं थोड़ा सा हवा में ही रखता हूँ इस मास को, ठीक है ना, मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है ना, लेट अस से ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है, कितना ले लिया मैंने, एम ले लिया, ठीक है। इस पर ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे या ऊपर, कहाँ लग रहा होगा ग्रेविटेशन फोर्स, नीचे या ऊपर, बोलो, अरे सर नीचे ही लगेगा, ये कोई बात है पूछने की। मान लो ये पहले किस हाइट पे था, मान लो ये पहले किसी हाइट पे था H1 पे, किस हाइट पे था, H1 पे, और हम इसको उठा के H1 से उठा के किसी और हाइट पे ले गए, अब हम इसको उठा के एक ऊंचाई पे ले गए हैं, कितनी ऊंचाई पे ले गए हैं, एक नई हाइट पे ले गए हैं, मान लो ये हाइट कितनी ले ली हमने यहाँ से यहाँ तक, H2 ले ली, मान लो ये हाइट हमने कितनी ले ली, H2, कितनी हाइट बढ़ गई इसकी, कौन बताएगा कितनी हाइट बढ़ गई, पहले H1 पे था फिर H2 पे चला गया, कितनी हाइट बढ़ गई, H2 माइनस H1, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, अब ये मत कहना सर ये कैसे, ये कितनी हो गई बोलो, H2 माइनस H1, फाइनल हाइट में से इनिशियल माइनस कर दो, इतनी हाइट इसकी बढ़ गई, यही तो चेंज इन हाइट है ना, ये इसी को आप डेल्टा H भी कह सकते हो, इसकी इतनी हाइट बढ़ गई सर, इतनी हाइट इसकी बढ़ गई। कितना वर्क डन करा ग्रेविटी ने, जल्दी से बता दो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है ना, लड़कों को कसम है शादी नहीं होगी, उनके कवारे मर जाएंगे अगर सही आंसर नहीं दिया, देख लेना, ठीक है ना, जल्दी से फटाफट जल्दी से सही आंसर बताना है, ठीक है ना, आपको जवाब नहीं दे रहा, नहीं देने वालों की तो बिल्कुल नहीं होगी, अब बोलो जल्दी बोलो, माइनस एमजी H2 माइनस H2, कैसे किया हमने, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना हुआ, जल्दी से बोलो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना हुआ, H2 माइनस H1, और ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे mg, और वर्क डन नेगेटिव होगा ना, क्योंकि फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो नेगेटिव वर्क डन होगा, इसलिए आपने लिखा माइनस mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका इस केस में, H2 माइनस H1, क्या बताओ ये बात सही है, क्या ये बात सही है, जल्दी से बताओ, ठीक है ना, अरे डाउट तो नहीं है ना यार, अब इसमें भी मत बोलना डाउट है, अब तो बहुत सिंपल सिंपल बातें बता रहे, ठीक है। और ग्रेविटेशन फोर्स कैसा वर्क डन है कर रहा है, ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव है या नहीं है, सोचो, है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन पे मैं मान लेता हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी U1, और इस पोजीशन पे मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान ली कितनी, U2, यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो U1, और इस साइड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, U2, और आप बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स को मैं क्या ये लिख सकता हूं, इनिशियल माइनस फाइनल, कैसे लिखा ये मैंने, कैसे लिखा अभी पीछे बताया था मैंने, ये देखो ध्यान से, अगर याद हो तो मैंने बताया था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यही मैंने यहाँ लिखा है, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, जो भी है इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये किसके इक्वल आ गया, अगर आप ध्यान से देखोगे आप बोलोगे सर ये आ गया माइनस mg H2 माइनस H1, और अगर आप ये नेगेटिव साइन लेफ्ट साइड ले जाते हो तो आप यहां से ये भी लिख सकते हो U2 माइनस U1 इज नथिंग बट mg H2 माइनस mg H1, ठीक है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने यहां से निकाल लिया, यहां से हमने क्या निकाल लिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या कैलकुलेट कर लिया हमने कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना बदलाव हुआ है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो ध्यान से, सही है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाल लिया। ओके, अब मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, mg h2 माइनस mg h1, कितना आया mg h2
माइनस एम जी एच वन, हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही निकाल सकते हैं। मैं चाह के भी U1 और U2 की वैल्यू नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता U1 कितना है, मुझे नहीं पता U2 कितना है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी बदली। मुझे नहीं पता कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी थी, मुझे नहीं पता उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी थी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, और वो कितना है बोलो, एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। एम जी टाइम्स जो भी उसकी हाइट का डिफरेंस है, देखा जाए क्या आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एम जी टाइम्स जो भी उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ध्यान से सुने, हमें सिर्फ इतना पता है अगर इस बोतल को मैं 2 मीटर ऊपर ले जाता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू टू बढ़ जाती है, बस मैं इतना कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता यहाँ कितनी थी यहाँ कितनी थी। जैसे भाई मान लो आप लोगों का मैं एक टेस्ट लेता हूँ, मैं एक एग्जाम लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बोला एक लड़की है, उसका नाम है दिव्या, तो दिव्या के ना राहुल से 10 मार्क्स ज्यादा आए हैं। तो क्या मैंने आपको दिव्या और राहुल के दोनों के मार्क्स बताए हैं? नहीं बताए ना, मैंने तो बस इतना बोला है दिव्या के जो मार्क्स है राहुल से 10 ज्यादा आए हैं, तो दिव्या के मार्क्स माइनस राहुल के मार्क्स 10 हो गए। बट क्या आपको दिव्या और राहुल के मार्क्स पता चले? नहीं। यहां भी आपको सिर्फ इतना पता चला इसको जब हम ऊपर ले गए तो इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, यहां से हमें यह पता चला इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बदली या फिर कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, वो ये आ गया। बताओ ये बात समझ में आती है अच्छी तरीके से? क्या मैं यहां से U1 निकाल चुका हूं? नहीं। क्या मुझे U2 पता चला? नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम जानते ही नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मैं U1 और U2 की वैल्यू नहीं जानता, मुझे सिर्फ उसके चेंज के बारे में पता है। तो आप यहां से लिख सकते हो हम सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझ रहे हो? इंग्लिश का टर्म जरूर है बट इसका मतलब समझो। एब्सोल्यूट का मतलब है मुझे इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता कि U1 कितना है, U2 कितना है। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता, मुझे नहीं पता U1 कितना है, मुझे नहीं पता U2 कितना है, इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ओके, पहले यहां तक लिख लो। अभी कोई भी किसी के सवाल का जवाब ही नहीं दूंगा, अगर आप पूछोगे भी तो सिर्फ यहां तक लिखो, क्योंकि अभी मैंने कंप्लीट नहीं की अपनी बात। लिखो, फटाफट लिखो। हम सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ एनर्जी बढ़ रही है, या फिर सिर्फ ये बता सकता हूँ घट रही है। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एनर्जी घट रही है, ये हमें पता है। मैंने क्या कहा था? मैं जवाब ही नहीं दूंगा, पूछते रहो। मैंने कहा था अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, अभी आएगा उस पर भी जो आपका रिप्लाई है। बोलो, ग्राउंड पे नहीं है, मैंने बोला पहले हाइट वन एच वन पे थी फिर एच टू पे चली गई, ये बोला बस। हाँ ऑलरेडी, हाँ बोल रही थी ना, ऑलरेडी यू वन थी ना, हम बोल तो रहे यू वन थी, फिर यू वन से हम यू टू पे चले गए। तो मुझे नहीं पता यू वन कितना है, मुझे नहीं पता यू टू कितना, मुझे सिर्फ इतना पता है कितनी एनर्जी मेरी बदल गई। मुझे मैंने कहा बताया यू वन मुझे पता ही नहीं, यू टू मुझे पता ही नहीं, मैं तो यही बताया कि यू वन से यू टू चले गए तो हमें इतना पता है कि एनर्जी कितनी बढ़ गई, ठीक है ना। वैल्यू नहीं पता, उसी को लिख रहे हैं, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है ना। अब एक दूसरे बच्चे ने बिल्कुल सही वैलिड क्वेश्चन पूछा जिसको मैंने भी चुप तो करा दिया, बट वो सही कह रहा है कि सर नाइन्थ में तो एमजीएच पढ़ाया गया था, फिर क्यों पढ़ाया गया था? अब उस पर आऊंगा मैं कि नाइन्थ में एमजीएच क्यों बोला गया था। वो बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक है ना, बट क्यों कहा गया था अब उस पर आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ध्यान से देखूं, अब होता क्या है कि हमें कहीं ना कहीं तो रेफरेंस लेना पड़ेगा, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। अगर मैं आपके क्लास में ऐसे ही बोल दूं प्रिया के राहुल से 10 नंबर ज़्यादा हैं, अरुण के राहुल से 10 नंबर कम है, वरुण के प्रिया से 5 नंबर ज़्यादा हैं, तो आपको सर पता ही नहीं चल रहा किसके कितने मार्क्स हैं। तो किसी एक के मार्क्स 0 मान लूं तो सभी के मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी को हम एज्यूम कर लेते हैं ग्राउंड पे कि वो 0 है। मेरी बात समझना, हमें सिर्फ इतना पता है
अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां ले जाता हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर थोड़े से भी कान खुले हैं और थोड़ा सा भी अगर हम कॉमन सेंस लगाते हैं तो ये बात समझ में आएगी, और अगर हमने सोच ही रखा है कि हमने सुनना नहीं है तो नहीं समझ में आएगी। तो अपने कान यहां रखो और दिमाग खुला रखो। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं 5 मीटर ऊपर ले जाता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं 5 मीटर ऊपर ले जाता हूं ग्राउंड से, और इसका मास कितना है मान लो 2 kg, कितना मास है 2 kg, तो इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। आप अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी U1 मान लो ग्राउंड पे और यहाँ U2 मान लो, तो आप कहोगे सर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी मतलब U2 - U1 वो कितनी हो जाएगी, बोलो mg * इनके बीच का हाइट का डिफरेंस। इनके बीच का हाइट का डिफरेंस कितना है बोलो, 5 मीटर, है ना, यही तो करते हैं हम लोग। यहाँ H2 मेरा कितना हो गया, ये 5 मीटर, और H1 0 हो गया क्योंकि हम ग्राउंड पे खड़े हैं। अरे हाँ या ना बताओ, यही तो हमने सीखा है कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, mg टाइम्स जो उनके बीच का हाइट का डिफरेंस है। तो अगर ऑब्जेक्ट को मैं ग्राउंड से यहां ले जा रहा हूं तो इन दोनों के बीच के हाइट का डिफरेंस कितना है बोलो, 5, तो कितनी एनर्जी बढ़ी यहां से यहां ले जाने में, इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, आप बोल सकते हो mg जो भी इनका हाइट का डिफरेंस है, यानी कि कितना है बोलो 5, यानी कि आप यहां से कैलकुलेट करोगे सर 2 × 10 × 5 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 100 जूल। तो अब लॉजिकली मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस वाले ऑब्जेक्ट की इस ऑब्जेक्ट से 100 जूल एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी U1 से 100 जूल क्या है ज्यादा। अब 9th स्टैंडर्ड में हम एक रेफरेंस यूज कर लेते थे, यानी कि हम ऐसा मान लेते थे, यार ऐसे तो सर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमें मानना तो पड़ेगा कि कहीं जीरो है, तो ग्राउंड लेवल पे हम अपनी एनर्जी को जीरो मान लेते थे। क्या मान लेते थे कि यहाँ की एनर्जी क्या है, जीरो। तो ये हम एज्यूम करते थे, एजम्पशन लेते थे कि अच्छा हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे होगा ना तो उसकी एनर्जी कितनी एज्यूम कर लेंगे बोलो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी एज्यूम कर लेंगे, जीरो। और हमें पता है ऊपर वाले की कितनी ज्यादा है, 100, तो अगर इसकी जीरो हो जाएगी तो ऊपर वाले की 100 हो जाएगी ना। अगर मैंने इसकी एनर्जी 10 एज्यूम की होती तो इसकी 110 होती, इसकी अगर 50 एज्यूम की होती तो इसकी 100 एंड कितनी हो जाती बोलो, 50। बट मैं कहता हूँ आसानी के लिए मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लेता हूँ, जीरो मान लेता हूँ, तो ऊपर वाले की अपने आप कितनी हो जाएगी बोलो, 100 हो जाएगी। तो जो आप कह रहे हो ना कि सर 9th स्टैंडर्ड में तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि ग्राउंड से अगर किसी को h हाइट पे ले जाया जाए तो उसकी एनर्जी mgh बढ़ जाएगी। अब ग्राउंड वाले की एनर्जी जीरो मान लो तो अपने आप उसकी ऊपर वाले की एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। तो यहां से हम एज्यूम करते हैं कि ग्राउंड वाले ऑब्जेक्ट की एनर्जी कितनी है, ये रेफरेंस ले लेते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, कि हम यहां खड़े हो गए और जो मेरे सामने ऑब्जेक्ट पड़ा है इसकी एनर्जी जीरो मान लेता हूं, अब कोई ऊपर जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी 1 जूल 2 जूल 3 जूल ऐसे ऐसे करके बढ़ेगी, mgh हो जाएगी, और अगर कोई नीचे गया तो उसकी एनर्जी नेगेटिव भी हो जाएगी। यानी कि आप ऐसे खड़े हो गए, आप खड़े हो गए, आपके सामने आपने ग्राउंड लेवल ले लिया, अगर आप ऊपर कोई जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, अगर कोई नीचे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। ऊपर अगर आप एच हाइट पे चले गए, अगर आप ऊपर एच हाइट पे चले गए तो आप इसकी एनर्जी mgh बोल देना, अगर आप इस लेवल से नीचे चले गए एच हाइट पे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, और आपके सामने अगर ऑब्जेक्ट है तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चल रहे हो, जीरो। क्या ये बात क्लियर है, जो चीज मेरे सामने उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एच हाइट पे चला जाएगा तो mgh और नीचे चला जाएगा तो -mgh, पर ये मेरी एजम्पशन है, ये मैंने एज्यूम किया कि मेरे सामने वाले की जीरो है और ऊपर वाले की ज्यादा और नीचे वाले की मुझसे कम है, ठीक है ना। ये एजम्पशन के बेसिस पे हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेते हैं, कहीं तो रेफरेंस मानना है ना, वी जस्ट एज्यूम दिस थिंग, इजी हो जाता है, क्योंकि जितने भी सवाल आपके फिजिक्स में आएंगे ना उसमें आपको एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, पता है किसकी पड़ती है, चेंज इन की, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, इसलिए हमें सवाल करते टाइम सोचना नहीं पड़ता, हम इतना सोचते ही नहीं है, हम इसी कन्वेंशन को यूज करते हैं तो आंसर आ जाता है, बट हमें रेफरेंस जरूर देखना पड़ेगा कि मैं जीरो कहां मान रहा हूं। अगर मैं यहाँ जीरो मान रहा हूँ तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे जाएगा तो बोलो कैसी होगी, नेगेटिव। हमारे हर सवाल में देखना आपको इस्तेमाल यही करना होगा कि एनर्जी कितनी बदल रही है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अब खुल के फ्रीली, आपके पास फ्रीडम है कि आप पहले क्वेश्चन में एक रेफरेंस लेवल चूज कर लोगे और उसके बाद आप देखोगे अगर उस रेफरेंस से ऊपर जाएगा तो आप बोलोगे mgh, अगर एच हाइट ऊपर जाएगा तो mgh, नीचे जाएगा तो कितना बोलोगे, -mgh। बस इतना याद रखो और कुछ मत सोचो सर आगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो चीज हुई नहीं उसके बारे में सोचो मत, व्यर्थ की चिंता गलत होती है, सोचना तब है जब हो जाए, फिर मुझे बताना सर इस क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहा, अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं या फिर किसी भी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं जो मैं बोल रहा हूं अगर आप इसको यूज करते रहोगे। तो आप याद रखो सर पे विश्वास है हमें, सर कह रहे हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन होगा, हमें एक रेफरेंस सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में,
वो जब क्वेश्चन कराएंगे तब दिखाऊंगा मैं आपको, और सिर्फ हमें इतना निकालना पड़ेगा कितनी एनर्जी बढ़ रही है कितनी घट रही है। रेफरेंस पे जीरो मानेंगे, ऊपर MgH पॉजिटिव, नीचे MgH नेगेटिव, ठीक है ना, बस इतना याद रखना। जल्दी नोट करेंगे इसको फटाफट। तो यानी कि इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने U1 को क्या मान लिया, जीरो, है ना। तो U2 बेसिकली जिस हाइट पे हम खड़े हैं उसकी एनर्जी अपने आप कितनी आ गई, 100 जूल, बट ये अज्यूम है ना, पर चलेगा, ये अजम्पशन काम करेगी, इसको हम लेके चलेंगे हर क्वेश्चन में। और जब मैं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन में चलेगा तो लगा के देख लेना, ठीक है ना, जब क्वेश्चन आएंगे आप खुद देखना ये चलेगा, वैलिड होगा, तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, बस इतना याद रखो जो मैं कह रहा हूँ, बस इतना याद रहना चाहिए। ये बड़ी बात है कि ये हम याद रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। वही तो अभी भी बोला हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। कौन सा फॉर्मूला दिया था, मैं तो कोई फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ाया ही नहीं अभी तक, आज ही पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पिछली बार तो मैंने बस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही पढ़ाया था, कोई पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा ही नहीं पिछली क्लास में बेटा, कोई फॉर्मूला नहीं देखा। हाँ देख लेना, नहीं हमने पिछली क्लास में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा बेटा। चलें आगे बढ़े, ये नोट हो गया सभी का, आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि सवाल करने अब हमें। अब से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, बस मुझे, ग्राउंड पे जीरो है तो आपकी किसी हाइट पे एनर्जी कितनी है, MgH, 2i 2h पे कितनी है, Mg2h, 3 हाइट पे 3h पे कितनी है, Mg3h, अगर डेप्थ पे चला गया, अगर मैं x डिस्टेंस नीचे चला गया तो माइनस MgX, अगर मैं 2x डिस्टेंस नीचे चला गया तो माइनस Mg2x, एंड सो ऑन, ठीक है। रेफरेंस के ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस के नीचे नेगेटिव। चलो इसका आंसर कर सकते हो आप, मुझे बता दो फटाफट। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg raised from a top of a building to a height 16 meter above it. Find the change in potential energy. ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो, 1600 यूनिट, यूनिट जूल। अब देखो लॉजिक क्लियर है, आप बिल्डिंग पे खड़े हो गए, बिल्डिंग की क्या हाइट है उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसने बोला है यहां से आप 16 मीटर ऊपर ले गए, यार बिल्डिंग की जो मर्जी हाइट हो, बिल्डिंग जितनी मर्जी ऊंची हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बोल रहा है यहां से यहां ले जाने में, तो आप बोलोगे सर मैं यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लूं, जीरो, और ये हाइट कितनी है मेरी, एच, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, MgH, यानी कि हाइट यहीं से लेनी है आपने, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली अपनी, जीरो, तो ये मेरा MgH हो गया। कितना आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से बोलो, मास कितना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, मास कितना अपने पास, बोलो फटाफट बोलो, 10, जी कितना है मेरा 10, और हाइट कितनी ले जा रहे हैं, 1600, तो आंसर कितना आ जाएगा, आया समझ में। जल्दी 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 लिखो, मैं बदल दूंगा स्लाइड, फिर फटाफट लिख लो, आसान है, ऊपर ले जा रहे हैं तो बढ़ रही है 1600, अगर वो बोलता नीचे ले गया मैं 16 मीटर तो आंसर कितना आता बताओगे, है ना, डिक्रीज कर जाती बस उसमें, है ना। चलो ये बताओ फटाफट इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो, यार अब तो आप चैंपियन हो भाई। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 20 meters, व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ओहो नीचे गिर गया, रहेगा तो आंसर MgH, वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब वो लॉस ही बता रहा है, नीचे आ रहे हैं, अब तो तुम कर लोगे यार, 2 × g × 20 कितना आ जाएगा बोलो, 400 जूल, 400 जूल घट गई होगी, है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं 400 जूल घट गई होगी, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन, ठीक है। अब तो थोड़ा आसान लग रहा होगा या अभी भी मुश्किल है, अब तो आसान है ना, ठीक है ना, आसान है भी थोड़ा सा, बट मजेदार क्वेश्चंस आएंगे तो और मजा आएगा, बट अपने कॉन्सेप्ट सही रखना, जो मैंने बोला बस उतना याद रखना, बस इतना ही बहुत है। चलो अब हम ग्रेविटेशन के बाद चर्चा करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे, कुछ कह रहा है कोई बच्चा, हाँ बोलो, हाँ। बोलो जरूर बेटा, फिर उससे आप उसको जूल में निकाल पाओगे, अगर आपने उसको ग्राम में ही रखा ना बेटा, तो फिर आप जी को भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखोगे तो फिर वो डाइन में आने लग जाएगा, डाइन कह रहा हूँ सॉरी, अर्ग में आने लग जाएगा आपका आंसर, है ना, तो हम उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें, ठीक है, ओके। अब ऐसी एक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर भी होती है, यस जल्दी बोलो बेटा,
मैंने वर्क डन पूछा ही नहीं, मैंने वर्क डन पूछा है क्या? बोलो क्या पूछा है इस वाले में, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है बोलो? नीचे आ रही है तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूरा पढ़ो. व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. मैं आपसे बस ये बोलूं, ये पेन नीचे आ रहा है, मुझे पता है यहाँ इसकी एनर्जी कुछ थी, यहाँ कुछ थी, ऊपर एनर्जी मुझे पता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ एनर्जी 400 ज्यादा होगी, यहाँ 400 कम होगी. मैं आपसे पूछूं नीचे आऊंगा तो कितनी एनर्जी कम होगी, तो आप मुझे -400 बोलोगे या सिंपल 400 बोलोगे तो भी चलेगा, कितनी कम होगी, है ना? आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही तो बताओगे ना बेटा. आप जो कैलकुलेट कर रहे हो, आप कह रहे होगे सर मेरा -400 आ रहा है, तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि एनर्जी क्या हुई है, घटी है, है ना? तो आंसर तो इसका 400 ही लिखोगे ना. अगर वो बोलता चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो आप कहते कि सर नेगेटिव लिखना चाहिए. मैं आपके पॉइंट से एग्री कर रहा हूँ. अगर इसी क्वेश्चन में वो बोलता, पता है क्या बोलता, व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, तो आप अपना आंसर नेगेटिव साइन के साथ दिखाते ताकि हमें पता चले कि चेंज नेगेटिव है, यानी कि एनर्जी घटी है. बट अब वो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुका है लॉस हुआ है, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है. तो आपसे आपके एक टेस्ट में मान लो 20 मार्क्स आए, अगले टेस्ट में 14 आए, मैं बोलूंगा कितने मार्क्स घट गए, तो आप बोलोगे 6. ऐसा तो नहीं बोलोगे -6 घट गए, नहीं बोलोगे ना, 6 ही तो बोलोगे ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कितने मार्क्स घट गए, तो आप तो 6 ही बोलोगे ना. वैसे ही यहां बोल रहा है कितनी एनर्जी घट गई, तो आप आंसर में तो 400 ही बोलोगे ना बेटा. ठीक है, हाँ बेटा, नहीं आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है, बस इतना बताओ ऊपर जा रहा है तो इतनी बढ़ रही है, नीचे आ रही है तो एम जी एच घट रही है, बस इतना याद रखो. किसी पॉइंट से एच हाइट ऊपर जा रहा है तो एम जी एच बढ़ रही है, किसी पॉइंट से नीचे आ रहे हैं एच तो इतनी घट रही है, बस इतना याद रखो. आप यू1 यू2 में अगर हर बार करोगे तो आप कन्फ्यूज ही होते रहोगे, वो डिफाइन करने के लिए समझाया था. अब आप इतना छोटा लॉजिक याद रखो, इतना ऊपर जा रहा हो तो एम जी एच बढ़ेगी और उस पॉइंट से इतना नीचे आऊंगा तो घटेगी, बस इतना, और कुछ मत सोचो. ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हमें स्प्रिंग पे चर्चा करनी है. तो अगर हम स्प्रिंग की बात करें बेटा, स्प्रिंग के साथ भी यही है, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं, है ना, पूरी जान लगाते हैं, तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी जाके स्टोर हो जाती है, और उस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग की क्या होती है वो, पोटेंशियल एनर्जी. क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. अब इसकी डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को थोड़ा सा इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी. स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट फोर्स था, हाँ ना, ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा mg लगता था. और आप ये भी बात याद रखना, जितना भी मैंने यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाया है, ये हमने पढ़ाया है छोटी हाइट्स के लिए. मतलब अगर मैं बहुत दूर चला जाऊँ ना अर्थ की सरफेस से तो जी चेंज हो जाता है, पता है ना आपको, 9th क्लास में सुना होगा आपने, इतना तो पढ़ा होगा. जब मैं बहुत ज्यादा दूर चला जाता हूँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाता है. यानी कि यहाँ जो भी किया गया है वो एक एजम्पशन के साथ किया गया है कि छोटी हाइट्स पे ले जा रहा हूँ, मतलब मैं ज्यादा हाइट पे नहीं ले जा रहा, स्मॉल हाइट्स पे ले जा रहा हूँ जहाँ जी कॉन्स्टेंट है. स्मॉल हाइट्स के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है जहाँ पे क्या है बोलो, जी कैसा है बोलो, कॉन्स्टेंट है. हालांकि एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा ग्रेविटेशन, वहाँ जी वेरिएबल होगा, तब आप पोटेंशियल एनर्जी फिर से निकालना सीखोगे. पर ये छोटी हाइट्स के लिए, ये पोटेंशियल एनर्जी का खेल छोटी हाइट्स के लिए है, कुछ मीटर्स की हाइट के लिए, एक आध किलोमीटर की हाइट पे अगर हम देखेंगे तो ये चल जाएगा. बट अगर हम बहुत ज्यादा ले जाएं, 200-300 किलोमीटर से ले जाएं, 1000 किलोमीटर ऊपर ले जाएं, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते पोटेंशियल एनर्जी का. जो हमारे रेंज में है, जो हमारे रेंज में, यानी 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. चल रहा है, मतलब इस चैप्टर में तो हमें याद ही रखना है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है. ठीक है ना, बट ग्रेविटेशन चैप्टर में वो फॉर्मूला बदल जाएगा. ठीक है जी, अभी पढ़ाया कहाँ ग्रेविटेशन मैंने? नहीं, 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 वो... हाँ हाँ हाँ, पर हम जो वही जो हम जो अभी तक मैकेनिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो हम ज्यादा हाइट नहीं ले रहे, वो हम कम हाइट की बात कर रहे हैं.
एक्सेलरेशन घटता चला जाता है ऊपर जाते हुए, बट हम इतनी हाइट पे लेंगे तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही रहता है. अभी तो हम मैं बोल भी तो ये भी तो बोला मैंने साथ साथ, हम जो भी अभी तक क्वेश्चन कर रहे हैं वो कम हाइट के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना. चाहे काइनेमेटिक्स की बात करें चाहे इस चैप्टर में बात करें, हम कम हाइट के लिए ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं ले जा रहे हैं. मैंने ये नहीं कहा अरे इतनी तेज़ फेंक गया स्पेस में ही चला गया सर, ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़ा कराए हैं मैंने. मैंने बोला इतना फेंक दिया 100 मीटर 200 मीटर चला गया, चलो चलता है, ज़्यादा हाइट पर नहीं, ठीक है. नाउ विल डिस्कस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं स्प्रिंग को खींच रहे हैं. तो आप लोगों को याद होगा मैंने इसमें बताया था जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचते जाते हो तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता रहता है. स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला किसको याद है जल्दी से बताओ, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे. स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है ना, कितना फॉर्मूला होता है स्प्रिंग, कितना फोर्स लगाता है, के एक्स, वेरी गुड, है ना. माइनस साइन क्या बता रहा होता है यहाँ पे कि अगर आप स्प्रिंग को राइट साइड लेके जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड. तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा आपका बोलो, लेफ्ट साइड. माइनस साइन ये बताता है अरे स्प्रिंग, ये वाला लेफ्ट हैंड देखो मेरा, अगर मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ तो स्प्रिंग फोर्स मेरे हाथ को इधर ले जाने की कोशिश करेगा, अगर मैं स्प्रिंग को इधर खींच रहा हूँ तो स्प्रिंग फोर्स मेरे हाथ को इधर खींचने की कोशिश करेगा, ये नेगेटिव साइन यहाँ बताता है. बट स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, सिर्फ के एक्स. तो आप माइनस के एक्स क्यों लिखते हो, बता दिया मैंने आपको कि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, है ना. तो अगर हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं, धीरे 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 इसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी. ऐसे केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. तो आप यहां से बोल सकते हो कि सर यहां भी हम वर्क डन निकालेंगे, बट क्योंकि स्प्रिंग फोर्स पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है ना, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है. याद है मैंने पढ़ाया था जो फोर्स कांस्टेंट नहीं होते उनका वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन. तो यानी कि यहां से मुझे पहले स्प्रिंग फोर्स लिखना पड़ेगा. अब स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड है और आप इसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड कर रहे हो, मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर लिया, कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया मैंने बोलो dx, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है. देखो ना, अगर मैं स्प्रिंग को इस साइड ले जा रहा हूँ dx तो स्प्रिंग फोर्स इस साइड लग रहा है. आप स्प्रिंग को इधर की तरफ की, स्प्रिंग को कहाँ ले जा रहे हो, इधर, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर, है ना बेटा. अगर आप स्प्रिंग को राइट साइड खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा लेफ्ट, तो स्प्रिंग और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 180 डिग्री, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है. और आपको पता है फोर्स का छोटा सा वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स, तो यहां से आप इसको लिख सकते हो माइनस एफ डी एक्स. कितना लिख सकते हो, माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा यहां पे, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है. और यहां से एफ की जगह हम लिख सकते हैं के एक्स डी एक्स. मैं सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, दोबारा से माइनस साइन मत डाल देना, यहां फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं. स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ के एक्स होता है, ये नेगेटिव साइन आया है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है. आप यहां चाहे तो लिख सकते हो फोर्स एंड डीएक्स आर एंटी पैरेलल, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा. ये दोनों एंटी पैरेलल है इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव. फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, सिर्फ के एक्स, और यहां से आ जाएगा डीएक्स. तो ये मेरा छोटा सा वर्क डन हो गया. पर आपको सर मैंने तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया है एक्स तक, तो हम क्या करेंगे यहां से इसको इंटीग्रेट कर देंगे. और इंटीग्रेट कर देंगे तो यहां से लेफ्ट साइड तो आ जाएगा वर्क डन, और राइट साइड मान लो मैं इसको कहां से कहां तक ले गया हूं, जीरो से लेके एक्स तक. कहां से कहां तक ले गया हूं, जीरो से लेके एक्स तक. अब के कांस्टेंट है तो के को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स लिमिट जीरो से लेके एक्स तक. यहां से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू. एक्स का इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स का, एक्स स्क्वायर बाय टू. तो यानी कि आप देख सकते हो यहां से जो हम लोगों ने पूरा किया तो हमें मिला जो भी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है वो किसके इक्वल आया बोलो, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. और वर्क डन किसके इक्वल होता है याद है ना, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके इक्वल हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर के, है ना. ये किसके इक्वल हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर के, माइनस से माइनस काटो. और जब स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं था, मुझे यहां देख के बताओ, जब स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं था उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हम जीरो मान सकते हैं, हम कह सकते हैं ना कि सर जब तक स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ ही नहीं या स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ ही नहीं उस टाइम पे कोई पोटेंशियल एनर्जी थी ही नहीं, यानी कि मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लूंगा, जीरो. यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपली क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर. सिर्फ यहां तक नोट करेंगे फिर इस पर चर्चा करेंगे हम अभी कि ये क्या आया है. यहां तक नोट करो फिर इस पर अभी चर्चा करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आया है.
यानी कि जैसे वहां MgH फोर्स आ रहा था ना, यहाँ से फोर्स, सॉरी, जैसे वहां पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला MgH आ रहा था ना, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा है. बस इतना याद रखो, यहाँ तक नोट करो. सभी ने नोट किया? सब नोट कर लो जल्दी से, फास्ट. हाँ, मैं रुका हुआ हूँ, आप जल्दी से नोट करो फटाफट सभी. ओके ओके अब ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है. कॉन्क्लूजन पे आते हैं, क्योंकि कॉन्क्लूजन से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. वो तो डेरिवेशन हो गया, स्कूल एग्जाम में काम आएगी डेरिवेशन, बट कॉन्क्लूजन काम आएगा आपके नीट एग्जाम में, ठीक है ना. कॉन्क्लूजन ये है, आप इतना याद रखना. मान लो ये स्प्रिंग है, दिख रहा है आपको ये स्प्रिंग, अभी ये अनस्ट्रेच्ड है. अनस्ट्रेच का मतलब जानते हो, ना तो खिंचाव है ना ही दबाव है, ना तो ये खींचा हुआ है ना ही मैंने इसको दबाया हुआ है, ये अनस्ट्रेच्ड है, ठीक है. अब अगर मैं इसको खींच देता हूँ, मान लो मैं इस पॉइंट को फिक्स कर लेता हूँ ताकि आपको एक ही तरफ से खिंचाव नजर आए, ये फिक्स पॉइंट है. अब अगर मैं इसको खींच लेता हूँ, मान लो मैं स्प्रिंग को क्या कर रहा हूँ, अब खींच रहा हूँ, और मैंने इसको कितना खींच दिया, मैंने इसको खींच दिया काफ़ी ज़्यादा खींच दिया, चलो जितना मर्जी भी खींचा यहाँ तक खींच लिया मैंने, ठीक है. कितना स्ट्रेच आ गया इसमें बोलो, एक्स. कितना स्ट्रेच आ गया, एक्स. तो इस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चलूंगा, पहले जीरो, मतलब अनस्ट्रेच स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं मानेंगे. बट जब वो स्ट्रेच हो जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानेंगे हम बोलो, हाफ के एक्स स्क्वायर. अगर इसको एक्स डिस्टेंस से स्ट्रेच किया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर. और अगर कोई स्प्रिंग कॉम्प्रेस भी हो, जरूरी नहीं है खिंचाव ही हो, कंप्रेशन भी हो सकता है. स्प्रिंग को अगर मैं दबा दूं, देखो ये मेरी नेचुरल लेंथ थी, है ना, दिस इज माई नेचुरल लेंथ, मैं इससे कम कर दूं इसकी लेंथ को, यानी कि मैं इसको दबा दूं इस तरीके से, इसको मैंने कोई दबाव दे रखा है, यानी कि यहां से स्प्रिंग को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा दबा दिया है, यहां तक ऐसे दबा दिया इसको, यानी कि इस केस में ये कंप्रेशन हो गया. मान लो कितना कंप्रेशन है, आप दोबारा से इसको एक्स मान सकते हो, या जो भी कंप्रेशन देना है. तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर. तो यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1/2 के जितना उसमें खिंचाव हो उसका स्क्वायर, या फिर जितना दबाव हो उसका स्क्वायर, ठीक है ना. जितना मर्जी खींच रहे हो, जो भी खिंचाव है उसका स्क्वायर, या फिर जितना दबाव है, जितना कंप्रेशन है या जितना जितना एक्सपेंशन है या फिर जितना कंप्रेशन है, बस उसका स्क्वायर कर दो और कुछ नहीं करना. सिंपल सा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, और कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है. क्या ये बात याद है हमें, क्या ये याद हो जाएगी हमें, इतना याद रख सकते हैं, इतना याद रख सकते हैं, तो अगला क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा. यस, अगर आप x को माइनस एक्स भी लिख दोगे तो बेटा उसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर है ना, अगर आप बोलो सर ये प्लस फाइव है और ये माइनस फाइव है, तो स्क्वायर करोगे, एनर्जी पॉजिटिव ही रहेगी. पोटेंशियल एनर्जी इस केस में आपकी जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी नेगेटिव नहीं होती. ग्रेविटेशनल नेगेटिव हो जाती है, बट स्प्रिंग आपको कभी नेगेटिव नहीं दिखेगी, ठीक है ना. ओके, दोनों केस में बढ़ी रही है, क्योंकि आप बोलो, आप ऐसे लॉजिकली सोचो, इस टाइम इसकी एनर्जी कितनी है बेटा बोलो, जीरो. खिंचा हुआ स्प्रिंग एनर्जेटिक है या नहीं आपके हिसाब से, है ना, और दबा हुआ स्प्रिंग भी तो एनर्जेटिक है, यानी कि इन दोनों की एनर्जी जीरो से तो ज्यादा ही होनी चाहिए ना. चाहे दबाऊं स्प्रिंग को या खींचू, उसकी एनर्जी अनस्ट्रेच स्प्रिंग से हमेशा क्या होनी चाहिए बोलो, ज्यादा ही होनी चाहिए सर, ठीक है. ओके, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, आसान है, मैं देखना चाहता हूँ कौन दिमाग लगा के आराम से कर सकता है. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U1, इफ द सेम स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर तो कितनी एनर्जी होगी. ऑप्शन दे देता हूँ मैं, चलो नहीं दिए हुए ना, मैं उसकी एनर्जी को U2 बोल देता हूँ, 2U1. ऑप्शन बी, U2 इज इक्वल्स टू U1. ऑप्शन सी, U2 इज इक्वल्स टू 8U1. ऑप्शन डी, U2 is equals to 16U1. सोचो.
सोचो क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? डी है। पहले सोचो, पहले आपको एक्स कितना दिया था, पहले बोलो एक्स कितना दिया था आपको, पहले बोलो। टू है ना, और स्प्रिंग कांस्टेंट में मान लेता हूं के है ना, वो तो बदला नहीं ना, तो पहले यू वन का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बोलो, हाफ के इंटू टू सेंटीमीटर है, आप इसको चाहे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं अभी इसको ये लिख देता हूँ, हाफ टू, वैसे इसको मैं मीटर में करना चाहिए बट अभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो यू वन मेरा ये था, और यू टू कितना होगा जल्दी से बोलो, यू टू कितना होगा बोलो फटाफट बोलो, यू टू होगा सर हाफ के इंटू एट का स्क्वायर। अब खुद सोचो ध्यान से, हाफ के इंटू एट का स्क्वायर क्या यही होगा? अगर आप ध्यान से देखो, अब आप रेशियो ले सकते हो यू टू बाई यू वन, या फिर आप इतना भी याद रखो, पहले हम इसको लिख सकते हैं, पहले हमारा यू वन हाफ के एक्स स्क्वायर था, अब हमने इसमें स्ट्रेच डबल कर दिया है ना, या कितना कर दिया, फोर टाइम्स कर दिया। अब स्ट्रेच कितना कर दिया हमने, फोर टाइम्स। अरे टू सेंटीमीटर से एट में जाओ तो आप लिख सकते हो ना फोर एक्स स्क्वायर, ऐसे भी तो कर सकते हो। तो यहां से भी देखने में पता चल रहा है ये 16 टाइम्स हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। या तो आप ये वाला तरीका कर लो जो मैंने बाद वाला बोला है, तो यहां से दिख जाएगा यू टू मेरा 16 टाइम्स यू वन है। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप पूरा सॉल्व करो, हाफ के टू का स्क्वायर, हाफ के एट का स्क्वायर, और रेशियो ले लो। तो यू टू बाई यू वन कितना आ जाएगा, हाफ के कट जाएगा, एट का स्क्वायर कितना होता है 64, और इसका कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 16। तो यू टू कितना हो जाएगा 16 टाइम्स यू, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है ना? यस, किसी को कुछ पूछना है? आवाज आ रही है बस पूरी नहीं आ रही, मेरे पास कट कट के आ रही है आपकी। बढ़ जाएं आगे, अभी पूछ लो, मैं दोबारा नहीं लाऊंगा स्लाइड पे, अभी पूछ लो अगर डाउट है तो। नहीं नहीं बेटा, उसने चेंज नहीं पूछा है ना, उसने ये थोड़ा पूछा चेंज इन एनर्जी, पूछा है क्या उसने? नहीं पूछा है, उसने पूछा फाइनल एनर्जी कितने टाइम होगी इनिशियल की। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन कैसे दिए आपको मैंने, ऑप्शंस क्या दिए, फाइनल एनर्जी इनिशियल के कितने टाइम हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी, है ना। आपसे यू टू माइनस यू वन तो पूछे नहीं, किसी ऑप्शन में लिखा है यू टू माइनस यू वन निकालना है, नहीं आपसे पूछा यू टू कितने टाइम्स यू वन होगा, इसलिए रेशियो लिया है मैंने, ठीक है। मैं बढ़ रहा हूं आगे, ओके ये हो गया क्वेश्चन। अच्छा एक वैरायटी और है क्वेश्चन की, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अगर आपको समझ में आ गया तो मोस्टली क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आते हैं। अभी एक स्प्रिंग है यहाँ, अभी यहाँ पे एक हमने स्प्रिंग लगाया, अनस्ट्रेच था, अभी हमने इसको स्ट्रेच नहीं किया था, खींचा नहीं था, ना ही कंप्रेस था ना ही स्ट्रेच था, अनस्ट्रेच अनकंप्रेस्ड ये स्प्रिंग था। फिर हमने क्या किया, इसको खिंचाव दिया, कितना खींचा सोचो, इसको हमने क्या किया, खींच दिया है ना, इसको हमने खींच दिया, मान लो इसको मैंने 2 मीटर खींच दिया, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी, है ना, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी जल्दी से बोलो, मान लो कि ये है मेरा ये, है ना, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी, आप बोलोगे सर हाफ के एक्स स्क्वायर, मुझे बताओ ये बात सही है क्या, इतनी एनर्जी आ गई होगी, यस और नो बताओ, ठीक है ना। के की वैल्यू आपको दे सकता है क्वेश्चन में, मान लो दे दी 20 न्यूटन पर मीटर, तो आप आराम से ये निकाल सकते हो, क्या इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी आई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि अगर स्प्रिंग को और खोल दे, यानी कि इस स्प्रिंग को अगर मैं और खोल दूं, और आगे ले जाऊं, ठीक है ना, क्या करूं स्प्रिंग को और आगे ले जाऊं यहां से 3 मीटर, क्या करूं और आगे ले जाऊं 3 मीटर, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम कितनी होगी, कौन बताएगा इस टाइम यू टू कितना होगा। पहले मैंने इसको कितना खींचा, 2 मीटर खींचा, अब मैं और आगे ले गया इसको 3 मीटर, अब मैं यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, हाफ के 3 का स्क्वायर या कुछ और सोचो, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमेशा हमें क्या लिखना होता है, हाफ के और स्ट्रेच का स्क्वायर या फिर टोटल कंप्रेशन का स्क्वायर, और टोटल स्ट्रेच या टोटल कंप्रेशन तो यहां से नापेंगे ना, है ना, तो आप कहोगे अच्छा हमें तो सर 5 लेना पड़ेगा ना, अगर हम इसकी फाइनल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हाफ के इंटू 5 का स्क्वायर, क्या ये बात क्लियर है आपको। इस टाइम इसकी एनर्जी थी हाफ के इंटू 2 का स्क्वायर, इस टाइम इसकी एनर्जी कितनी थी,
हाफ के इंटू टू का स्क्वायर, बट अगर आप इसको 3 मीटर और खींच लोगे तो टोटल खिंचाव हो जाएगा 5 मीटर, तो हाफ के इंटू स्ट्रेच का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। इस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, पहले इतनी थी अब इतनी होगी। पर इतना जरूर याद रखना, आप कहोगे सर हम ना क्वेश्चन तो समझ ही नहीं पाते इसलिए हो नहीं पाते, क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि 2 मीटर के बाद 3 मीटर खींचा या टोटल 3 मीटर दिए, क्वेश्चन की कई बार लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। कई बार क्वेश्चन में ये बोलता है पहले 2 मीटर था फिर 3 मीटर हो गया, तो अगर वो बोले पहले 2 मीटर था फिर 3 मीटर हो गया, इसका मतलब वो टोटल 3 मीटर कह रहा है, बट ऐसे क्वेश्चन में अगर आप 2 मीटर के बाद 3 मीटर खोलोगे तो वो बोलेगा फर्दर स्ट्रेच। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फर्दर स्ट्रेच्ड, है ना, या फिर वो ऐसा वर्ड कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेगा कि 2 मीटर के बाद भी फर्दर स्ट्रेच इट 3 मीटर, तो टोटल स्ट्रेच 5 होगा। तो क्वेश्चन को भी पहले ध्यान से पढ़ना, हो सकता है क्वेश्चन में यही दिया हो कि पहले 2 मीटर पे था बाद में 3 मीटर हो गया, तो आप लोगों को पहले यू में लिखना पड़ेगा एक्स की जगह 2 और फिर एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा 3, बट अगर वो बोले नहीं 2 मीटर के बाद देर इज अ फर्दर स्ट्रेच ऑफ 3 मीटर, तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि नहीं उस केस में तो भाई टोटल मेरा ये 5 हो जाएगा, है ना, टोटल एनर्जी में ये क्या आ जाएगा 5। 3 मीटर को वो फर्दर स्ट्रेच के नाम से क्वेश्चन में जरूर दिखाएगा अगर वो ऐसा क्वेश्चन देगा, तब क्वेश्चन देखते हैं ताकि समझ में आए। इसको नोट कर लिया होगा, अगर आपने नोट कर लिया मैं फटाफट आ जाता हूँ एक क्वेश्चन पे, 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि और मजा आए, सीखे हम उसमें। चलो क्वेश्चन देखो, यस जल्दी नोट करो बेटा जल्दी। डन ना सभी का? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को करो, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, पहले क्वेश्चन का मतलब समझना है यार, मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ लेना, मैंने देखा है मोस्टली हमारे क्वेश्चन गलत इसलिए होते हैं, हम क्वेश्चन को समझते नहीं है, हमें समझ नहीं आता वो बोलना क्या चाहता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या हमें के की वैल्यू दे दी, ये किस किसने समझ ली बात, ये तो समझ में आ गई सर ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। इट इज इनिशियली स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्प्रिंग था उसमें इनिशियल स्ट्रेच कितना था, मान लो उसमें इनिशियल स्ट्रेच कितना था, अगर हम ध्यान से देखें हम बोलेंगे सर हमें x1 मिल गया, पहले उसमें स्ट्रेच कितना था 5 सेंटीमीटर, और कोशिश करें इसको मीटर में लिखें, 5 × 10⁻²⁻ ये लिखें, कोशिश करो ऐसे लिखो, ठीक है। फिर वो कह रहा है देन द वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय 5 सेंटीमीटर, यानी कि समझ में आया आप लोगों को अब वो क्या बोल रहा है, यहां से 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी खींचा हुआ था, यहां से 5 सेंटीमीटर और खींच लिया, तो टोटल स्ट्रेच कितना होगा बेटा अब इस केस में, x2 को क्या लेना चाहिए अब इस केस में, क्या 10 सेंटीमीटर नहीं लेना चाहिए, सोचो, आ रहा है ना समझ में, देख रहे हो मैंने कहा था ना क्वेश्चन में ये लैंग्वेज यूज करेगा, तो यहां से अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है, तो यहां से अगर आप u1 निकालोगे तो u1 कितना होगा हाफ के x1 स्क्वायर, और u2 कितना होगा अगर आप ध्यान से देखोगे हाफ के x2 स्क्वायर, सी आ रहा है पक्का, सी तो नहीं आ रहा था शायद, ट्राई करो, आपको निकालना क्या है फर्दर, तो आपको ये निकालना क्या, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है द वर्क डन रिक्वायर्ड टू फर्दर स्ट्रेच, यानी कि इसमें से इसको माइनस भी तो करो, फर्दर स्ट्रेच निकालना है, u2 माइनस u1 पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से ये भी करना है, आप सबने सिर्फ u2 निकाल दी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछी, सुनो पहले ध्यान से, उसने बोला है कि पहले आप ये, हाँ नहीं ऑप्शन बी आएगा बेटा, तो उसने पहले बोला आप 5 सेंटीमीटर तक ले गए तो कितना वर्क डन हुआ इतना, अब आप और 5 सेंटीमीटर ले जाने में कितना वर्क डन करोगे, तो आप इतना तो पहले कर ही चुके हो ना, तो आप u2 में से u1 को माइनस करो, इतना वर्क डन और करोगे, है ना, पहले आपने कुछ वर्क डन करके खोल दिया, वो कह रहा है और 5 सेंटीमीटर खोलने के लिए और कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है, यानी कि u2 माइनस u1 पूछ रहा है, अब कर लोगे u2 माइनस u1 या फिर वो भी करना पड़ेगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है, x2 को कितना लिखोगे 10 × 10⁻²। मैं नहीं कर रहा सॉल्व, ये आपको करना है, अब आंसर मैंने बता दिया ये आएगा, आप घर पे सॉल्व करते रहो आराम से, टेक योर टाइम सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कर सकते हो ना, छोड़ दूं, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, नोट कर लो जल्दी से,
मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा, करने को तो मैं कर भी दूंगा वैसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाफ के कितना करना है बिलो, 5 × 10³ 3 × 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 100 × 10⁻⁴, ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा, −x1 का स्क्वायर यानी कि 25 × 10⁻⁴। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई 100 − 25 हो जाएगा 75 × 5 / 2 × 10⁻⁹। सॉल्व करो, आंसर आएगा, ठीक है ना। अब ये पावर में कंफ्यूज हो जाएंगे आधे बच्चे। कुल मिला के मेरे से पूरा सॉल्व करवा ही लिया है ना। तो इसको आप 75 पावर कॉमन ले लो ना, × 10⁻⁴ लिख सकते हो, हो जाएगा। अब मैं बढ़ जाऊं आगे, समझ में आ गया ना, आसान सवाल है, ठीक है। ये तो कर लो यार, अब ये वाला कर लो, ये तो और आसान है, इसमें तो वैल्यू भी आसान है। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज एक्सटेंशन 5 cm, इफ वर्क डन, सॉरी द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 to 15। तो x1 5 है और x2 15 है, यहाँ x2 15 है, x2 20 मत ले लेना गलती से, x2 15 है, 5 से 15 तक ले जाने की बात कर रहा है। टोटल एक्सटेंशन पहले 5 है, फिर उसने बोला टोटल एक्सटेंशन बाद में 15 हो गया। क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है। सब करो, सभी करो, सब ट्राई करो। वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 to 15, यानी कि वही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, U2 − U1 ही निकालना है, U2 − U1, यानी कि कितना आ जाएगा, हाफ के, हाफ बी आर है, हाफ के, चलो देखते हैं, एक मिनट देखते हैं, 15 × 10⁻²⁺ का स्क्वायर −5 × 10⁻²⁺ का स्क्वायर, यही कर रहे हो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हो, चेक कर लेते हैं बेटा, मैं भी चेक कर लेता हूँ आपके साथ। हाफ के कितना है मेरा 800, और 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225 × 10⁻⁴ −25 × 10⁻⁴, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 400 टाइम्स, है ना, तो आ जाएगा 400 × 225 में से 25 माइनस करोगे × 10⁻⁴, हाँ 10⁻⁴, ठीक है ना, हाँ तो ये आ जाएगा 800 × 10⁻⁴, डेफिनेटली 8 आ जाएगा आंसर, 8 है जी, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा, ये सेंटीमीटर में है ना, 5 × 10⁻²⁺ मीटर, ये वो चीज है जो हम 8th-9th से सिखाई जाती है पर हम करते नहीं है, है ना। थैंक यू सर, कितना खुश है लड़का है, ठीक है, दिखते हो ना 9th से 8th-9th से, यूनिट जरूर कन्वर्ट कर लेना, टीचर तब से बोलता आ रहा है पर फिर हम भूल जाते हैं, पर अब याद रहेगा ये, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, अब से आदत डल जाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, मैं चाहता हूं आप लोग रीड करो और पहले कोशिश करो आप समझ के आ रहे हो। मैंने देखा टेस्ट में क्वेश्चन इसलिए नहीं होते आप लोगों से, आपके पास कोई नया क्वेश्चन आता है ना, आपको लगता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं या सर ने पढ़ाया नहीं। अब पढ़ो पहले क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से पढ़ो और सोचो, कुछ तो दिमाग लगेगा, एक मिनट देता हूँ पढ़ने के लिए, तसल्ली से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट तो बहुत है पढ़ने के लिए और समझने के लिए कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, इसका आंसर आ जाए वो भी बता देना, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही, पर ऐसे क्वेश्चन एक ही बार कराए जाते हैं फिर उसके बाद याद हो जाते हैं, सदा के लिए ये याद हो जाना चाहिए। फिर ऑप्शन ए, क्या बात, ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर।
ओके देखो ए नहीं है बेटा, बी है। देखो अब समझते हैं कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक बार समझेंगे और फिर इसका आंसर आपको याद होगा, ठीक है ना। अगली बार एग्जाम में आए या कहीं भी आए तो आप सॉल्व ही नहीं करोगे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम सेवर है, इसमें एक बार एक क्योंकि ये याद रहेगा, क्वेश्चन ऐसा है एक बार करोगे अगली बार आपको याद आ जाएगा, देखिए अच्छा ये तो करा हुआ है, इसका आंसर ये आता है, तो ये हमेशा याद रहेगा। तो एक बार समझते हैं अच्छे से, फिर इसको याद रखना है अपने दिमाग में, एटलीस्ट टेक्निक याद रखनी है। चलो अब आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दो सिमिलर स्प्रिंग है पी एंड क्यू, बट उनके जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के पी एंड के क्यू, और के पी के क्यू से ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, पहली लाइन से आप क्या समझे। दो स्प्रिंग है, पहला स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के पी है, ठीक है ना, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या है बोलो, के पी। और दूसरा स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना लिया हमने बोलो, के क्यू। और उसने बोला है के पी के क्यू से ज्यादा। इसका क्या मतलब है के पी के क्यू से ज्यादा, इसका मतलब एक स्प्रिंग बहुत टाइट है, एक बहुत ज्यादा स्टिफ है और एक बहुत लूज है। टाइट कौन सा है, ज्यादा स्टिफ कौन सा है, वो है के पी, क्योंकि उसने बोला है के पी के क्यू से ज्यादा है। के पी के क्यू से क्या है, ज्यादा, यानी कि ये टाइट वाला स्प्रिंग है, ये ढीला ढाला स्प्रिंग है। अब आपको वो कह रहा है दे स्ट्रेच फर्स्ट बाय सेम अमाउंट, तो दोनों को सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया गया, तो दोनों को सेम अमाउंट से स्ट्रेच करता हूं मैं। चलो अगर मैं इसको जितना मैंने के पी को स्ट्रेच किया, मान लो मैंने इसको कितना स्ट्रेच किया एक्स, तो के क्यू को भी कितना स्ट्रेच किया बोलो एक्स, तो कितना वर्क डन करना पड़ा होगा इसमें, वही पोटेंशियल एनर्जी जितना वर्क डन पी में कितना करना पड़ा होगा और क्यू पे में कितना करना पड़ा होगा, जल्दी से बोलो कितना करना पड़ा होगा इसमें, हाफ के पी और एक्स स्क्वायर, और इसमें कितना करना पड़ा होगा बोलो, हाफ के क्यू और एक्स स्क्वायर। अब मुझे देख के बताओ किसमें वर्क डन आपको लगता है ज्यादा करना पड़ा होगा, क्या बड़ा है, के पी बड़ा है के क्यू से, कौन सा वर्क डन आपको देख के पता चल रहा है ज्यादा है, देखो देख के पता चल रहा है सर, के पी के क्यू से ज्यादा है तो डब्ल्यू पी ज्यादा होगा सर, ये तो देख के पता चल रहा है, डब्ल्यू पी डब्ल्यू क्यू से ज्यादा है सर, ये तो देख के पता चल रहा है, क्योंकि के पी क्यू के से ज्यादा है तो के क्यू से ज्यादा है, तो फिर यहाँ वर्क डन भी ज्यादा होगा, पहला वाला पार्ट हो गया, यानी कि ये तो हो नहीं सकता है ना, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो देख के पता चल रहा है सर यही होगा, है ना, देख के पता चल रहा है होगा, बट इस चीज को भी प्रूफ करो। दूसरा वाला केस आ जाओ, ये हमारा केस ए था। दूसरे केस में क्या कह रहा है, केस बी को पढ़ो बाप। केस बी में क्या कह रहा है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ समझाने के लिए अच्छे से, अपने दोनों स्प्रिंग बना देता हूँ, ये अपना टाइट वाला स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये अपना टाइट वाला स्प्रिंग है, इसका के पी है, और दूसरा अपना लूज वाला ढीला वाला स्प्रिंग जिसको हमने बोला के क्यू, है ना, ये क्या है मेरा के क्यू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सेकेंड पार्ट में पढ़ो, क्या बोल रहा है सेकेंड पार्ट में, बोल रहा है देन द सेम फोर्स इज अप्लाइड, पहले पार्ट में उसने बोला सेम स्ट्रेच था, मतलब अगर इसको एक्स खोला तो इसको भी एक्स खोला, पर दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि दोनों पे सेम फोर्स लगाया है। अब स्ट्रेच अलग अलग हो सकता है, सेम फोर्स लगाने पे क्या दोनों स्प्रिंग अलग अलग नहीं खुलेंगे यार, एक टाइट स्प्रिंग है एक ढीला ढाला है, मैं दोनों पे सेम फोर्स लगाऊं क्या दोनों सेम खुलेंगे या ढीला वाला ज्यादा खुल जाएगा, सोचो, है ना, आप करके देखो। दो स्प्रिंग लगे, एक बहुत टाइट है एक बहुत हल्का है, जो मतलब बहुत लाइट है जो आराम से खुल सकता है, जो आराम से खुल सकता है वो तो खुल जाएगा ना ज्यादा, और जो टाइट है वो कम खुलेगा। अब आपको कह रहा है कि दोनों पे जो फोर्स लगाया है वो कैसा है सेम, तो दोनों का एक्सटेंशन अलग होगा बेटा इस केस में। अगर इसमें एक्सटेंशन xp है तो दूसरे वाले में एक्सटेंशन कितना होगा बोलो xq, फोर्स सेम है दोनों पे। तो अगर आप देखो ध्यान से पहले वाले केस में, अगर हम ध्यान से देखें, अब इस पर अगर हम चर्चा करें तो सर अब कैसे करेंगे सॉल्व, ऐसे केस में हमें याद रखना है कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F is equals to formula क्या होता है बोलो kx होता है ना, F का फॉर्मूला क्या होता है बोलो kx, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब आप क्या करो, क्योंकि आपको x नहीं पता ना, दोनों केस में x पता है क्या, नहीं पता सर, ना हमें xp पता है ना xq पता है, हमें तो ये पता है F है kp है, F है kq है, तो फॉर्मूले को बदल दो, फॉर्मूले को x से x के इंडिपेंडेंट बना लो, यहाँ f की टर्म में फॉर्मूला लिख लो, यानी x को क्या लिख सकते हो f by k, x को क्या लिख सकते हो बोलो यहाँ, x को क्या लिख सकते हो f by k, तो ये f का स्क्वायर by k का स्क्वायर बन जाएगा, देखो ना यार यहाँ से लिख सकते हैं ना, मैं लिख सकता हूँ ना x को f by k लिख सकता हूँ ना यहाँ से, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया x की जगह f by k लिख दिया, तो वर्क डन का फॉर्मूला बताओ क्या बन गया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया हाफ k, और k तो कट जाएगा एक, है ना, एक तो k कट जाएगा ना ऊपर और नीचे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हाफ f स्क्वायर by k, बताओ ये फॉर्मूला आ जाएगा वर्क डन का, सब एग्री करते हो ये फॉर्मूला आना चाहिए वर्क डन का। यहाँ हमने ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किया है क्योंकि मुझे के पी और एक्स की इन्फॉर्मेशन थी, इस फॉर्मूले में मुझे
F और K की इन्फॉर्मेशन है सेकंड वाले केस में, इसलिए मैंने X को हटा दिया यहाँ से और ये फॉर्मूला यूज किया। अब बताओ P के केस में वर्क डन कितना होगा, P के केस में वर्क डन होगा हाफ F स्क्वायर बाय KP, और Q के केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा हाफ F स्क्वायर KQ। अब देखो क्या यहाँ वर्क डन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है K के, जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ज्यादा उसमें वर्क डन कम, जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कम उसमें वर्क डन ज्यादा, क्यों, क्योंकि वर्क डन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस वाले सेकंड केस में। तो डेफिनेटली आपको हो गया अच्छा, अगर दोनों पे सेम फोर्स लगता है, अगर दोनों पे सेम फोर्स लगता है तो वर्क डन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के, अगर दोनों में सेम स्ट्रेच होता है तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, यानी कि दो स्प्रिंग हो और उनमें सेम एक्सटेंशन दिया जाए तो वर्क डन उसमें ज्यादा जिसका के ज्यादा, और अगर दोनों स्प्रिंग पे सेम फोर्स लगाया जाए तो वर्क डन उसमें ज्यादा जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम। तो यानी कि यहाँ उल्टा आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपको अच्छा इसमें वर्क डन क्यू में ज्यादा होगा और पी में कम, ठीक है ना, क्यू में ज्यादा होगा और पी में कम, ये आंसर है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। आप चाहो तो इसका कॉन्क्लूजन साइड में लिख सकते हो कि अगर सेम स्ट्रेच, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेच आए सर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, फिर केपी केक्यू से ज्यादा है तो डब्ल्यूपी डब्ल्यूक्यू से ज्यादा होगा, और सर अगर सेम फोर्स लगाएंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। अच्छा हाँ सर, फिर हम ये वाला यूज कर लेंगे, फिर डब्ल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है, जिसका के ज्यादा उसका वर्क डन कम, जिसका के कम उसका वर्क डन ज्यादा। जी बेटा, सर आपने वहां पे हाँ से शुरू किए हैं, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी है, सेकंड केस में सर आपने फॉर्मूला ये क्या लिखा है, देखो ना f इक्वल्स टू kx, वर्क डन का फॉर्मूला ये, ऐसे ही चलोगे ना, ऐसे ऐसे लिखो ना, ये रही पहली, ये पहले लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये दोनों चीजें लिखी है। स्टेप लिख दूं, स्टेप नंबर वन, ठीक है, स्टेप नंबर टू, फिर लिख दो स्टेप नंबर थ्री, है ना, फिर मैंने लिख दिया स्टेप नंबर, इन दोनों को मिला दो, ये स्टेप नंबर फोर, अब ठीक है, ओके। नोट हो गया, थोड़ा जल्दी करें, हाथ चलाएं फटाफट। यस सर, डन। सभी पढ़ जाऊं आगे, डन ना, चलो ओके। पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम, अब मुझे स्प्रिंग मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कौन बताएगा, क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, जल्दी से बोलो, हाफ के एक्स वायर, कैसा ग्राफ लग रहा है आपको, यू और एक्स के बीच में बनेगा, बताओ कैसा ग्राफ लगता है यू और एक्स के बीच में, बोलो, पैराबोला, है ना, बच्चा सही बोला, ग्राफ बनेगा पैराबोला, ठीक है ना, ग्राफ है अपना पैराबोला। तो अब ध्यान से देखते हो, चलो यहाँ बनाते हैं, इतनी मजा आएगा, पहले यहाँ एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिखाते हैं, है ना, यहाँ देखो बच्चो, यहाँ पे अपना एक स्प्रिंग मास सिस्टम हम आपको दिखाएंगे, ये अपना स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये मेरा मास है, है ना, और यहाँ पे अभी स्प्रिंग में ना तो कोई स्ट्रेच है ना कोई कंप्रेशन है, तो इसको मैं लिख दूं x इज इक्वल्स टू जीरो, ना तो स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच है ना स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन है, है ना। तो स्प्रिंग को अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं स्प्रिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देता हूँ, मान लो मैं इसको स्ट्रेच करके कहाँ तक ले जाता हूँ, यहाँ तक ले जाता हूँ, स्ट्रेच करके यहाँ तक ले जाता हूँ, मान लो कहाँ तक ले गया, x इज इक्वल्स टू a, राइट साइड x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, प्लस a, है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो, इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ के ए स्क्वायर, बट इतना ही अगर इसको कंप्रेशन मिल जाए, बोलो, अगर इतना ही इसको कंप्रेशन मिल जाए तो कितनी हो जाएगी, बोलो,
हाफ के ए स्क्वायर, मतलब अगर मैं यहाँ x को माइनस ए लिख दूं तो कंप्रेशन हो या स्ट्रेच हो ये तो ऐसा ही रहेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यही रहेगी। जितना ज्यादा स्ट्रेच करूंगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी, जितना ज्यादा कंप्रेशन करूंगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऑलरेडी आप जानते हो ये पैराबोला टाइप ही है, तो आप इसके ग्राफ को ऐसे कंपेयर कर सकते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये एक्स हो गया। तो जब आपकी एक्स की वैल्यू जीरो है, यानी जहां आपका एक्स जीरो है वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। तो जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। लेट अस से यहां मैं बोल देता हूं एक्स इज इक्वल्स टू ए, और यहां इस पॉइंट को नाम दे देता हूं एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो यानी कि ये ग्राफ कैसा बनेगा मेरा, पैराबोला बनेगा इस तरीके से। ये ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, और उसमें राइट साइड जाएंगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी, लेफ्ट साइड जाएंगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी। देख सकते हो एक्स को पॉजिटिव साइड बढ़ाओगे, स्ट्रेच करोगे, ये स्ट्रेच है। राइट साइड क्या दिखा रहा है, स्ट्रेच, कि आपने क्या किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया। और लेफ्ट साइड क्या दिखा रहा है, कंप्रेशन, कि आपने स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस किया। तो ये इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, सिंपल। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पैराबोला बनेगा ना, पक्का ना, पता चल रहा है ना यहां से, पैराबोला। नोट कर लिया, करो 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 करो, नोट करो। सभी ने नोट किया, सिंपल पैराबोला ग्राफ बनाना है, राइट साइड स्ट्रेच है, लेफ्ट साइड कंप्रेशन है। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होगी, जितना आप दूर ले जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, जितना इधर ले जाओगे वहाँ भी एनर्जी बढ़ती जाएगी। मान लो आप ए तक ले गए तो एनर्जी इतनी हो गई, पीछे भी ले गए तो भी इतनी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस बोलो। हाँ ये आप, हाँ वो एक्चुअली जो हम जो बात करते हैं वो असली वाले स्प्रिंग होते हैं, और फिजिक्स में अलग स्प्रिंग यूज होते हैं। फिजिक्स का अलग स्प्रिंग का मतलब है कि आइडियल स्प्रिंग है। डेफिनेटली आपने रियल लाइफ में जो स्प्रिंग देखे हैं उसमें आपको ऐसे ऐसे टर्न्स नजर आते हैं, आप खींचते हो तो सर टर्न्स इतने लंबे हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद तो सर वो एकदम खोल देंगे तो वायर नहीं बन जाएगी। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, बट ऐसा फिजिक्स में नहीं होगा। जो हम यहाँ एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं उनमें इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, उनमें स्प्रिंग के पास बहुत सारे टर्न्स हैं, इनफाइनाइट, जितना मर्जी खोलो वो लंबा नहीं होगा। मतलब ऐसे ही एजम्पशंस लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर ऐसा एजम्पशन वैलिड है क्या? ऐसा एजम्पशन वैलिड पता है तब होता है जब हम ये स्प्रिंग का जो भी पढ़ते हैं ना, ये छोटे मोटे एक्सटेंशन और कंप्रेशन के लिए वैलिड होती है। यानी स्प्रिंग की लेंथ कुछ मीटर्स में हो गई और उसमें कुछ सेंटीमीटर्स में आपको कंप्रेशन और एक्सपेंशन, क्या खींचने पर इलोंगेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बट कभी भी हम ये नहीं कहेंगे यहाँ किसी क्वेश्चन में वो सीधा हो गया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता। यहाँ पे हम मानते ही नहीं है कि उसकी, हम उसकी इतने सारे टर्न्स मानते हैं कि कभी हम इस चीज पे जाते ही नहीं है कि वो लंबा हो जाएगा। मतलब हम एजम्पशंस के अंदर ही सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो आप स्प्रिंग फोर्स को केएस लिखते हो वो इन्हीं एजम्पशंस के अंडर है कि स्प्रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेच और कंप्रेशन नहीं है। मतलब हम लोग इसको मेंटली बार बार लिखते नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है कि स्प्रिंग जितना मर्जी खींचना चाहो खींच लो, फोर्स के एक्स ही होगा। बट ऐसे रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग को आप बहुत ज्यादा खींचो तो फोर्स के एक्स ही रहेगा, फोर्स बढ़ भी जाता है उससे ज्यादा। बट हम यहाँ नहीं मानते, हम मानते हैं कि एक्स ही होगा, ठीक है, हम एजम्पशंस के साथ खेलते हैं। हाँ जी बोलो। जितना कंप्रेस करना चाहो उतना कर लो, जितना स्ट्रेच करना चाहो उतना कर लो।
हाँ बट वो आपको अगर सर उसकी नेचुरल लेंथ से ज्यादा तो होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, बट आप मान के ही नहीं चल रहे, मैं आपको वही बता रहा हूँ। यहाँ एक्चुअली स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ मान लो मीटर्स में है और एक्सटेंशन और कंप्रेशन सेंटीमीटर्स में है ना, इतनी रेंज में ही एप्लीकेबल होता भी है, बट हम कहीं किसी क्वेश्चन में इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें नहीं उस चीज़ को ध्यान में रखना, हमें बस इतना ही मानना है स्प्रिंग फोर्स kx होता है, जितना मर्जी कंप्रेस करें जितना एक्सटेंशन करें, अपने को स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज़ का, हमें सोचना ही नहीं है इस बारे में, हमें पढ़ना ही नहीं है इस आर्ग्यूमेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ हम ऐसा मान नहीं रहे, हम आइडियल स्प्रिंग मान रहे हैं। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक बात ये है बेटा, क्या आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना सीखा है आज, ग्रेविटेशन और स्प्रिंग देखा है ना, उसके लिए हमने क्या देखा, हमने कैसे निकाला, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, क्या फॉर्मूला यूज किया, वर्क डन का, हमने बोला जो हमारा वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का वो किसके इक्वल होता है, बोलो, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या यही फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, किया ना। और यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो वर्क डन को मैं ये लिख सकता हूं, वर्क डन क्या होता है, जो भी मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन। यही तो हम कर रहे हैं इतनी देर से, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये किसके इक्वल है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही तो आज करा है हम लोगों ने, आज पूरे दिन यही तो कर रहे हैं। अब यहां से आप कहोगे सर उल्टा कर सकते हैं, अभी तक हम कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे, क्या आप उल्टा कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दी हो क्या अब हम फोर्स निकाल सकते हैं, समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है, आपने कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली आज, है ना, हमें पता था स्प्रिंग फोर्स kx है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर आ गई। अब क्या उल्टा कर सकते हैं कि हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो और स्प्रिंग फोर्स निकल जाए, हाँ उल्टा भी हो जाएगा, क्योंकि सोचो हुआ क्या था, आपने जब फोर्स को इंटीग्रेट किया था तो पोटेंशियल एनर्जी आई थी, अब पोटेंशियल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो फोर्स आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे जैसे काइनेमेटिक्स में करते थे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को डिफरेंट एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो तो वेलोसिटी, ऐसे ही यहाँ भी है, यानी कि यहाँ से भी आप लिख सकते हो, अगर आपको इफ यू वांट टू कैलकुलेट फोर्स यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना, अगर हमें क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, हम क्या चाहते हैं, हम फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करें, अब हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, डिफरेंशिएशन, यानी कि अब आप फोर्स का फॉर्मूला याद रख सकते हो, दिस इज नथिंग बट माइनस डी यू डिवाइडेड बाय डी आर। अब कहोगे सर आर क्या है, यहाँ पे आर कुछ भी ले सकते हो, अगर आप एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसको एक्स बोल दो, वाई डायरेक्शन में जा रहे हो तो वाई बोल दो, अगर फोर्स जेड डायरेक्शन में तो जेड बोल दो, तो मैंने इन जनरल आर लिख दिया अभी के लिए, है ना। तो यहां से आप अब इस फोर्स को याद रख सकते हो, नेगेटिव साइन तो आएगा ही क्योंकि यहां आ रहा था नेगेटिव साइन, तो वही नेगेटिव साइन आपको यहां भी मिलेगा, यानी कि आपको याद रखना है फोर्स निकालने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आपको फोर्स निकालना है, ये कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, है ना, जो भी हम कंजर्वेटिव फोर्स निकाल रहे हैं वो कैसे निकलता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके, बट एक नेगेटिव साइन भी जरूर आएगा, ठीक है ना, उल्टा हो गया, जब फोर्स को इंटीग्रेट किया था तो पोटेंशियल एनर्जी आई थी, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया तो फोर्स आ गया, जहां से शुरू किया था वहीं आ गए ना दोबारा से। और नहीं यकीन आता तो करके देख लो, मुझे बताओ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जल्दी से बोलो, नहीं आ रहा ना यकीन तो करके देख लो यार, हाफ की एक्स स्क्वायर थी, अब मैंने बोला फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स कर दो, तो बोलो माइनस साइन फॉर्मूले वाला इसका डिफरेंशिएशन, बोलो हाफ के तो कॉन्स्टेंट है तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, या स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स आ जाएगा आपका, देखो यही तो होता है ना, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स, इसको इंटीग्रेट करते थे तो हाफ के एक्स स्क्वायर आता था, हाफ के एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस के एक्स आ जाएगा, है ना, इजी है ना, जल्दी लिखो, थोड़ा सा हाथ जल्दी चलाएंगे, हाँ जी नहीं, वर्क डन का डबल डिफरेंशिएशन, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन यानी वर्क डन का आप ये कह रहे हो, तो यहां से हमें फोर्स मिल, फोर्स का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं देता, फिर हमें ये मिल जाएगा, अगर आप फोर्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिल जाएगा, फोर्स कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, हमें वो चीज मिल जाएगी।
हाँ तो के आ जाता है तो उससे क्या आ जाएगा, के नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा ये भी सोचो। नेगेटिव आएगा तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता था तो वो क्या मिलता था हमें, मैक्सिमा मिलता था, है ना। नहीं 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 वो कुछ हो रहा है, अब मैं बाद में बताऊंगा, उससे अभी रिलेटेड बात नहीं कर रहा, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो फिर, अभी उसको बाद में देखते हैं, मैं देखूंगा कैटर करूंगा किसी दिन, बट अभी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इतना रेलिवेंट नहीं है, डिस्कशन का टॉपिक है बट इतना रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए, इसलिए पहले मैं वो पढ़ा देता हूँ जो आज के लिए जरूरी है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हम ध्यान से देखें ये फॉर्मूला हमें याद है। अब एक बार जरा इस पे आओ ग्राफ पे, मुझे एक बात बताओ, आप सब सोच के मुझे बताओ, यहाँ पे इस पोजीशन को क्या कहते थे, अनस्ट्रेच पोजीशन, इसी पोजीशन को हम क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम कहते हैं, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं जानते हो, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, जहां स्प्रिंग मेरा अनस्ट्रेच है, अनस्ट्रेच का मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या है यहाँ पे बोलो, जीरो, हाँ या ना, यस या नो बताओ, जब स्प्रिंग को ना तो स्ट्रेच किया है ना ही कॉम्प्रेस किया है, उस टाइम पे स्प्रिंग फोर्स कितना है बोलो, जीरो है, हाँ या ना, स्प्रिंग को ना तो स्ट्रेच किया है ना ही कॉम्प्रेस किया है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा बोलो, जीरो होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम। क्या x इज इक्वल्स टू जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यस और नो, x इज इक्वल्स टू जीरो पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हाँ सर, x इज इक्वल्स टू जीरो हमारी कैसी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहां पे नेट फोर्स जीरो होंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको आगे पीछे ले जाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ फोर्स मुझे मिल जाएगा, बट एक चीज सोचो ध्यान से, फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी हम लोगों ने, फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अगर हम ध्यान से देखेंगे, माइनस डी यू बाय डी एक्स, यही तो पढ़ा है। तो अगर मैं फोर्स को जीरो बोल रहा हूं, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स क्या हो रहा है बोलो, जीरो हो रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्स क्या हो रहा है बोलो, जीरो हो रहा है, तो अगर मेरा फोर्स जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या है, डी यू बाई डी एक्स जीरो हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप जीरो हो गया। देखो दोबारा से, फोर्स जीरो होने का मतलब डी यू बाई डी एक्स जीरो हो गया, डी यू बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप जीरो हो जाएगा, यानी कि आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में स्लोप क्या यही जीरो नहीं है, स्लोप जीरो देखना आता है, याद है, अरे यार याद है, अगर मैं कोई कर्व बनाऊं, सोचो ऐसा कोई कर्व बनाऊं और पूछूं कहां स्लोप जीरो है, तो आप बोलोगे यहां जीरो है सर, यहां जीरो है, स्लोप जीरो होने का मतलब जहां आपका कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो हमारे केस में हमारा कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल कब हुआ, देखो ना ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, ये एक्सिस के पैरेलल यहीं तो हो रहा है, इस लोकेशन पे ही तो हो रहा है, तो इस लोकेशन पे अगर हम ध्यान से देखेंगे हमारा स्लोप जीरो है, इस लोकेशन पे हमारा स्लोप क्या है, u by dx, वो क्या है जीरो, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ अच्छा यहाँ स्लोप जीरो है तो यहाँ फोर्स जीरो होगा, वही तो डायग्राम में भी दिख रहा है, यहाँ फोर्स जीरो है और यहाँ से स्लोप से भी चेक करो, यहाँ स्लोप जीरो है यानी कि यहाँ फोर्स जीरो है, यानी कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी दे, सुनो अगर हमें क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी दे और आपसे पूछे फोर्स कहां जीरो होगा, तो आप क्या करोगे, आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे और जीरो से इक्वेट कर दोगे, क्योंकि फोर्स का जीरो होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन जीरो होना, मतलब किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी देके आपसे पूछ सकता है कि फोर्स कहां जीरो होगा, तो आप क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे और जीरो से इक्वेट कर दोगे, तो आपको फोर्स जीरो मिल जाएगा। क्या मैं स्टेप को यहां लिख दूं, लिख सकता हूं यहां, अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए फोर्स जीरो कहां होगा, अब आपसे ऐसे जरूरी नहीं ये पूछे फोर्स जीरो कहां होगा, आपसे भी पूछ सकता है इक्विलिब्रियम कहां होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है फोर्स का जीरो होना, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कहां होगा, पोटेंशियल एनर्जी देखे, पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, यानी कि आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, हमें क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, और अगर आपसे पूछा जाए फोर्स जीरो कहां होगा, तो क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, अगर वो एक्स डायरेक्शन में तो एक्स से, वाई डायरेक्शन में तो वाई से, जेड डायरेक्शन में तो जेड से डिफरेंशिएट करेंगे और क्या डाल देंगे, जीरो डाल देंगे, यहां से हमें पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम कहां है। क्वेश्चन दिखाता हूं अभी आसान सा, ठीक है, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, बस आपको इतना याद रखना है इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, बस इतना लिख लो डिफरेंशिएशन जीरो करना है। तो अब जरा एक क्वेश्चन पे आओ, यहां देखो क्वेश्चन पढ़ो, आपको u दे रखा है a डिवाइडेड बाई r की पावर 10 माइनस b डिवाइडेड बाई r की पावर 5,
तो आपसे ये पूछ रहा है द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है जल्दी से बताओ मुझे, इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है इस केस में भी बोलो, फोर्स को जीरो डालना है. और फोर्स को जीरो डालने के लिए क्या करूं मैं, डिफरेंशिएट कर देता हूं, डी यू बाई डी आर निकाल लेता हूं और इसको क्या डाल देता हूं, जीरो डाल देता हूं. कर सकते हैं ना, यस और नो बताओ, कर सकते हैं ना? माइनस साइन लगाना लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जीरो से इक्वेट कर रहे हैं. ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कौन बताएगा मुझे, डी यू बाई डी आर, जल्दी से बता दो, डी यू बाई डी आर. आप चाहो तो यू को ऐसे लिख सकते हो, ए आर की पावर माइनस 10 माइनस बी आर की पावर माइनस 5. अब अगर आप फंसोगे तो बस डिफरेंशिएशन में फंसोगे, और आसान सा डिफरेंशिएशन है, मुश्किल भी नहीं है यार, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो. एक कॉन्स्टेंट है, माइनस 10 आगे आ गया और आर की पावर हो गई माइनस 11, और यहाँ से आ गया माइनस, माइनस 5 आगे आ गया और आर की पावर हो गई माइनस 6. ये क्या हो गया मेरा, डिफरेंशिएशन हो गया. आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 10 ए बाई आर की पावर 11, है ना, आर की पावर 11 प्लस 5 आर की पावर प्लस 5, और बी भी था ना यहाँ, एक बी भी था बेटा, ये बी भी था, 5b डिवाइडेड बाय आर की पावर 6. तो ये क्या आ गया, डी यू बाई डी आर, और इसको कितना डाल दो बेटा, जीरो डाल दो. अगर आप इसको जीरो डाल दोगे तो 10 वाली टर्म इधर ले जाओ, यहाँ से आ जाएगा 10a डिवाइडेड बाय आर की पावर 11 किसके बराबर है, 5b डिवाइडेड बाय आर की पावर 6 के. ठीक है, यहाँ से आर की पावर 11 को इधर ले जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा 10a बाय 5b, ये आ जाएगा आर की पावर 11 बाय 6, यानी कि यहाँ आ जाएगा आर की पावर 5, 11 माइनस 6 कर दोगे तो 5, और यहाँ से आ जाएगा 2a बाय b. तो अब तो हो गया, अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो फर्दर, r इज इक्वल्स टू 2a बाय b की पावर कितना हो जाएगा, 1 बाय 5. अगर यहाँ पावर 5 है तो यहाँ 1 बाय 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा. तो बस इतना याद रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पोटेंशियल एनर्जी देके आपसे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पूछ ले तो घबराना नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएट करके जीरो डालना है और आर की वैल्यू निकाल देनी, इस डिस्टेंस पे आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कल मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे. जल्दी से नोट डाउन करें इसको सभी बच्चे. हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी. हाँ क्लास ओवर हो गया है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है. ओके हाँ बोलो, जल्दी बोलो. 4-0 नेट 4-0 उसका मतलब इक्विलिब्रियम. नहीं, किसने कहा नेट फोर्स का जीरो होने का मतलब मूव नहीं करता, ऐसा किसी ने नहीं कहा. 4-0 होने का मतलब मूव नहीं करेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है. 4-0 होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है नहीं भी. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर फेंकते हो, आपने कहा था जब ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर जाता है वेलोसिटी जीरो होती है, बट वहाँ एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता. तो फोर्स जीरो है इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ये गलत फहमी निकाल दो. 4-0 का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी. ऑब्जेक्ट रुके ना रुके ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, ओके बेटा. हाँ बेटा, हाँ जल्दी बोलो बेटा, फटाफट बोलो. क्वेश्चन प्रैक्टिस का बेटा मैं बात करूंगा, क्योंकि ये मेरे हैंड में नहीं है बच्चे, ये तो पीछे पे डिपेंड करता है, मैं इसमें कुछ कमिट नहीं कर सकता. अगर वो अवेलेबिलिटी होगी तभी कर सकते हैं, क्योंकि आपके सेंटर्स पे क्लास होती है ना बेटा, तो फिर वो फिक्स्ड होते हैं स्केड्यूल्स, तो उसमें अगर टाइम लिमिटेशंस हैं, अगर हुआ अवेलेबल तो कर सकते हैं. आई विल आस्क, अगर हुआ पॉसिबल देन आई विल डू. ठीक है, ओके, क्योंकि नेक्स्ट वीक से वैसे भी आपकी एक क्लास बढ़ जाएगी तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी बेटा. ठीक है, ओके, यस यस, जल्दी बोलो बेटा, टाइम हो गया है, फटाफट चलो. ओके बाय, वॉइस नहीं आ रही किसी की मुझे. ओके बाय एवरीवन, टेक केयर.